हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे यस्कावा की VFD के RR कोड्स के बारे में। आप चैनल को एक बारी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऑफ इस वीडियो में यस्कावा की VFD के जितने भी फॉल्ट हैं वन बाय वन करके हर एक फॉल्ट के बारे में डिटेल में बताया गया है, कैसे आप उसको ठीक कर सकते हैं, वो फॉल्ट है क्या, किस लिए आ रहा है, पूरा ट्रबल शूटिंग है पूरा वीडियो। यस्कावा की VFD का एक एरर कोड है END2, मोटर आयरन कोर इंस्ट्रक्शन ओनली ड्यूरिंग रोटेशन ऑटो ट्यूनिंग डिस्प्ले आफ्टर ऑटो ट्यूनिंग इज कम्प्लीटेड। ठीक है, तो ये एरर आता है जब हम मोटर की ऑटो ट्यूनिंग करते हैं। ठीक है, तो तब उस केस में आता है। तो होता क्या है, या तो मोटर का डेटा रॉन्ग फील्ड है, आपने गलत डेटा डाल रखा है, मोटर डेटा एंटर ड्यूरिंग ऑटो ट्यूनिंग वॉज इनकरेक्ट। ठीक है, मोटर डेटा आपने गलत डाल दिया है, तो मोटर की जो नेम प्लेट पे जो डेटा है वो आपको करेक्ट डेटा डालना है और दोबारा से ऑटो ट्यूनिंग करनी है। ठीक है, और तब आप ऑटो ट्यूनिंग करेंगे तो आई होप कि प्रॉब्लम रिजोल्व होगी। दूसरा क्या है, ऑटो ट्यूनिंग कैलकुलेटेड वैल्यूज आउटसाइड पैरामीटर सेटिंग रेंज असाइनिंग एंड आयरन कोर सिचुएशन कॉन्फिक्शन टेम्परेरी वैल्यूज E207 E208 में होती हैं जो टेम्परेरी वैल्यूज। चेक करेक्ट फॉल्टी मोटर वायरिंग, मोटर की जो वायरिंग है वो चेक करनी है, वो कुछ फॉल्टी तो नहीं है। ठीक है, डिस्कनेक्ट द मोटर फ्रॉम मशीन एंड परफॉर्म रोटेशनल ऑटो ट्यूनिंग। मतलब अभी क्या है, आप जो ऑटो ट्यूनिंग कर रहे हो, मे बी हो सकता है कि वो अपने मोटर से डायरेक्ट कनेक्ट कर रखी हो और तब आप ऑटो ट्यूनिंग कर रहे हो, तो उसकी वजह से भी कई बारी ये एरर आता है। मतलब होता क्या है कि आप जब इसको कनेक्ट करके कर रहे हो तो मोटर रोटेट नहीं हो पाती है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी ये इशू हो सकता है, आप एक बारी उसको चेक कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फॉल्ट है BUS, फॉल्ट कोड तो ये है। ठीक है, ये क्या है, ऑप्शन कम्युनिकेशन एरर। ठीक है, ओपन कम्युनिकेशन, ऑप्शन कम्युनिकेशन एरर आफ्टर इस्टेब्लिश इनिशियल कम्युनिकेशन दैट कनेक्शन वॉज लॉस्ट ओनली डिटेक्टेड व्हेन रन कमांड फ्रिक्वेंसी रेफरेंस इज असाइन टू एन ऑप्शन कार्ड। एक्चुअल में है क्या, जो हमने ये कम्युनिकेशन लिया हुआ है, जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, उसमें हमें इशू क्या आ रहा है कि हमने जो मास्टर है हमारा, मास्टर क्या हो सकता है, मास्टर हमारा कुछ भी हो सकता है। मतलब मास्टर हो सकता है हमारा PLC हो सकती है, BMS सिस्टम हो सकता है, या फिर स्काडा सिस्टम हो सकता है। ठीक है, कोई भी ऐसा सिस्टम हो सकता है जिसको हमने मास्टर बना रखा है, और वहाँ से एक सिग्नल जा रहा है जो कि सिग्नल है हमारा कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, मीन्स एक रन कमांड, एक फ्रिक्वेंसी सेट पैरामीटर्स, वो एक सिग्नल जाएगा। तो अभी क्या हो रहा है, वो सिग्नल वो कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से सिग्नल नहीं जा रहा है। ठीक है, तो अब हमें इसमें क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि जो हमारी केबल है, ठीक है, चेक द फॉल्टी वायरिंग, ठीक है, करेक्ट द वायरिंग, चेक द लूज वायरिंग शॉर्ट सर्किट्स एंड रिपेयर नीडेड। ठीक है, ये दो रीज़न, ये तीन चीज़ें हम चेक कर सकते हैं, जो हमारी केबल है उसको हम प्रॉपर चेक कर सकते हैं कि हाँ वो कम्युनिकेट कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि कम्युनिकेशन डाटा एरर ऑकवर्ड ड्यू टू द नॉइज। ठीक है, ये नॉइज की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, द चेक द वेरियस ऑप्शन अवेलेबल मिनिमाइज इफेक्ट नॉइज। ठीक है, करेक्शन नॉइस कंट्रोल सर्किट मेन सर्किट ग्राउंड वायरिंग, हमें ये भी देखना है कि VFD और मोटर हमारी प्रॉपर ग्राउंड हो चुकी है, ग्राउंड हो रखी है, अर्थिंग हो रखी है या नहीं हो रखी है। ठीक है, इंश्योर द इक्विपमेंट सच ए स्विच रिलेज नॉट कॉज नॉट सर्ज सप्रेयर्स इफ रिक्वायर्ड। ओके, यूज केबल रिकमेंडेड बाई यस्कावा एंड अनदर शील्डेड लाइन। हाँ, जो हमारी कम्युनिकेशन केबल है वो जो यस्कावा रिकमेंड करता है हमें या तो वही यूज़ करनी है। ठीक है, या फिर किसी अच्छी क्वालिटी की यूज़ करनी है। ठीक है, और दूसरा क्या है, ऑप्शन कार्ड इज डैमेज। ऑप्शन कार्ड में जो कम्युनिकेशन कार्ड है वो हमारा ख़राब हो सकता है। देखिए, अभी हमने क्या किया, हमने केबल चेक की, हमने ये चेक किया कि हमारी जो लूज़ कनेक्शन तो नहीं है, अर्थिंग प्रॉपर है, सब कुछ है। अब अगर हमारा ये सब कुछ ओके है और फिर भी ये बस फॉल्ट आ रहा है, ठीक है, बस कम्युनिकेशन फॉल्ट आ रहा है कंटिन्यू, तो उसके बाद क्या हो सकता है, हमारा जो ऑप्शन कार्ड है वो डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना है, उसको रिप्लेस करना है। ठीक है, उसकी वायरिंग करनी है प्रॉपर, और तब ये हमारा हम इसको वापस से रन कर सकते हैं। ठीक है, द ऑप्शन कार्ड इज़ नॉट प्रॉपरली कनेक्टेड टू द ड्राइव। और इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो ऑप्शन कार्ड है हमारा वो ड्राइव पे प्रॉपर कनेक्टेड ही नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, VFD की पावर ऑफ करनी है। ठीक है, उसको प्रॉपर कनेक्ट करना है और उसको इंस्टॉल करके पावर अप करके दोबारा से रन करके देखना है। ठीक है, तो आई होप कि ये दोबारा चल जाएगा।
ठीक, तो हमें सिर्फ यही करना है और आई होप कि इससे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और अगर नहीं हुई है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं आप अपनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलिए ठीक है, थैंक यू। इसका हुआ कि VFD का एक एरर कोड है CE, मॉडबस कम्युनिकेशन एरर, ठीक है। कंट्रोल डाटा वॉज नॉट रिसीव्ड फॉर CE डिटेक्शन टाइम सेट H5-09। मतलब ये होता है साइकिल स्कैन, मतलब साइकिल टाइम होता है, ठीक है। तो ये डिले टाइम होता है कि मतलब कितनी देर के अंदर ये डेटा रिसीव हो जाना चाहिए, ठीक है, किस टाइम से। तो ये इसमें है क्या, मॉडबस का जो कम्युनिकेशन है ना उसका एरर आ रहा है। आपने जो VFD है वो कम्युनिकेशन की मतलब कॉन्फ़िगर किया हुआ है मॉडबस पे, ठीक है। तो अब वो प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं हो पा रही है, मतलब VFD को हमने मास्टर बनाया है या फिर स्लेव बनाया है। तो मास्टर क्या क्या हो सकते हैं, मास्टर हो सकता है हमारा PLC हो सकता है, BMS सिस्टम हो सकता है, ठीक है, या कोई कोई दूसरा कंट्रोलर हो सकता है, स्काडा सिस्टम हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी दूसरा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हो सकता है जिसको हमने मास्टर बनाया हुआ है, ठीक है। तो वो सेम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पे होगा मॉडबस पे, ठीक है। अब इशू क्या है कि या तो ये इसकी जो वायर है ना, इसके मतलब देखो इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं, फॉल्टी कम्युनिकेशन वायरिंग और शॉर्ट सर्किट एग्जिस्ट। मतलब या तो एक तो रीज़न इसका ये हो सकता है कि जो हमारी वायर है, मतलब VFD से जो हमारी वायर गई है मास्टर पे या फिर स्लेव पे, तो वो जो वायर है या तो वो फॉल्टी हो सकती है, ख़राब हो सकती है, मतलब बीच में से ब्रेक हो रखी हो, या फिर वो बीच आपस में शॉर्ट हो गए हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, चेक द फॉल्टी वायरिंग, वायरिंग चेक करनी है। अगर वो ख़राब है तो उसको ठीक करना है, ठीक है। और क्या है, अगर लूज कनेक्शंस हैं तो उनको हमें वापस से टाइट कर देना है, वापस से करेक्ट करके कम्युनिकेट कर देना है। दूसरा क्या है, कम्युनिकेशन डाटा एरर ओकर ड्यू टू द नॉइस, दूसरा नॉइस की वजह से हो सकता है। अब ये नॉइस क्या है, ठीक है, ये नॉइस जो क्रिएट होता है वो होता है अगर हमने VFD की जो अर्थिंग है वो प्रॉपर नहीं की है, ठीक है। देखो इसमें क्या है, चेक द वेरियस ऑप्शन अवेलेबल टू मिनिमाइज इफेक्ट ऑफ नॉइस, ठीक है। जो आसपास जो नॉइस है उसको मिनिमाइज करने के लिए, नॉइस मतलब ये वो नहीं है कि मतलब शोर हो रहा है, नॉइस इट कुड बी द जैसे मतलब सपोज दैट कोई 415 की वोल्टेज की वायर गई है उसके पैरेलली, हमारी कम्युनिकेशन के केबल के पैरेलली, या फिर हमारी जो कम्युनिकेशन केबल है वो हमने नॉर्मल वाली यूज़ की है, शील्डेड केबल यूज़ नहीं की है, ठीक है, ये रीज़न हो सकता है, ठीक है। और हमारी मोटर और VFD वो अर्थिंग नहीं हुई है, ठीक है। द यस्कावा रिकमेंडेड केबल्स एंड अनदर टाइप ऑफ शील्डेड ग्राउंड, सिलेट कंट्रोलर साइड एंड और ड्राइव इनपुट पावर साइड, ठीक है। हमें ये देख मतलब जो हमारी केबल है वो प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। इंश्योर दैट अदर इक्विपमेंट सच एज स्विच एंड रिले इज नॉट कॉज नॉइस, यूज सर्ज सप्रेस इफ रिक्वायर्ड। तो हमें ये देखना है कि जो हमारा सिस्टम है उसमें जो दूसरे मतलब सपोज दैट जो PFD पैनल है उसमें जो दूसरे इक्विपमेंट्स लगे हैं वो प्रॉपर हैं, मतलब ऐसा तो नहीं कि उनसे कोई नॉइस जनरेट हो रही है, ठीक है। सेपरेट ऑल वायरिंग फॉर कम्युनिकेशन डिवाइस फ्रॉम ड्राइव इनपुट पावर लाइन्स, इंस्टॉल EMC नॉइस फिल्टर, ठीक है, टू इनपुट साइड ऑफ द ड्राइव इनपुट वेक्टर पावर। हाँ, और ये भी करना है कि जो हमारी VFD है उस पर जो इनपुट लगी है वो जो हमारी इनपुट है 415 वोल्ट या 230 वोल्ट, उस पर हमने नॉइस फिल्टर यूज़ किया है कि नहीं किया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें चेक करनी है, और आई होप कि अगर हम इन सब चीज़ों को चेक कर लेंगे, इनमें से ही कोई सा एक रीज़न होगा और हम उस रीज़न को हमें करेक्ट करना है, रिजोल्व करना है, और हम रिजोल्व करेंगे तो जो हमारी प्रॉब्लम है वो रिजोल्व हो जाएगी। तो चलिए ठीक है, अभी समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसका वह VFD का एक एरर है CF कंट्रोल फॉल्ट, द टॉर्क लिमिट वॉज रीच्ड कॉन्स्टिट्यूशनली 3 सेकेंड्स और लॉन्गर ड्यूरिंग रैम्प टू स्टॉप वाइल इन ओपन लूप वेक्टर कंट्रोल, ठीक है। तो ये क्या है, एक्चुअल में कंट्रोल फॉल्ट है, ठीक। जो टॉर्क है वो 3 सेकेंड से ज़्यादा हाई चला गया है, ठीक है, जब हम VFD को स्टॉप कर रहे हैं उस केस में, ठीक है। तो ये इसका रीज़न क्या हो सकता है, ठीक है, इसका रीज़न हो सकता है एक तो ऑटो ट्यूनिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हुई है, ठीक है। मोटर पैरामीटर्स आर नॉट सेट प्रॉपरली, या तो आपको मोटर के पैरामीटर डालने हैं, ठीक है, या फिर आपको ऑटो ट्यूनिंग करनी है मोटर की, ठीक है, या फिर टॉर्क जो लिमिट है वो बहुत कम की हुई है, ठीक है। जो VFD का जो पैरामीटर है
L7-01 से लेके L7-04 पे, वहाँ पे जो हमारे पैरामीटर हैं मोटर टॉर्क के, वो बहुत कम डाल रखे हैं हमने, ठीक है। लोड इनर्शिया इज टू बी, लोड इनर्शिया बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एडजस्ट डी एक्सेलेशन टाइम, इस केस में हमें देखो मैक्सिमम चांसेस में ये होता क्या है, जो डी एक्सेलेशन टाइम है उसको हम जब कम कर देते हैं तो ये अपने आप कम हो जाता है, मतलब ये प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाती है। तो हमें करना क्या है, C1-02, 04, 06 और 08 में देखे जो डी एक्सेलेशन टाइम है वो हमें कम कर देना है, तो प्रॉब्लम के चांसेस हैं, मैक्सिमम चांसेस हैं प्रॉब्लम के रिजोल्व हो जाने के। और अगर फिर भी नहीं हो रही है तो हमें मोटर का टॉर्क चेक करना है, ठीक है। सेट फ्रीक्वेंसी टू मिनिमम वैल्यू, इंटरप्ट टू रन कमांड व्हेन ड्राइव फिनिश डी एक्सेलेरेशन, ठीक है। अच्छा, तो इसके कई सारे रीज़न ना हमेशा यही होते हैं। तीसरा रीज़न क्या हो सकता है, जो मोटर है मोटर पे लोड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये भी रीज़न हो सकता है। मतलब जो मोटर वहाँ जहाँ पे लगी हुई है, पुली पे या आगे कहीं भी लगी है, ठीक है, तो वहाँ पे लोड काफ़ी ज़्यादा है, तो तब भी ये एरर आने के चांसेस होते हैं। तो एक बारी उसका लोड फ्री करके देखिए, और अगर देखिए होता क्या है, लोड ज़्यादा है और आपने जो डी एक्सेलेरेशन टाइम है वो कम रखा है, तो उस केस में क्या होता है, मोटर को ना एक मतलब एक VFD से ने तो स्टॉप की कमांड दे दी, ठीक है। सपोज दैट VFD ने तो दे दी 10 हर्ट्स के लिए स्लो करके, कि भाई 10 हर्ट्स पे अभी घूम रही होनी चाहिए मोटर, बट एक्चुअल में है क्या, उसकी स्पीड ही उतनी है, मतलब वो आगे लोड ही इतना है कि उसको रोकने के लिए ब्रेक की ज़रूरत है, और ब्रेक वहाँ पे है नहीं, ठीक है, तो उस केस में ये एरर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आई थिंक अभी आपको समझ आ गया होगा। ये सारे के सारे कोज अगर हम चेक कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई क्या है, और इनसे अलग कोई रीज़न होगा नहीं, मैक्सिमम चांसेस हैं कि इनसे अलग कोई रीज़न नहीं होगा, जो मैंने बताए हैं आप इनको कर लीजिए तो ये प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसका हुआ कि VFD का एक एरर कोड है COF, करंट ऑफसेट फॉल्ट, द करंट सेंसर इज डैमेज और देर वॉज द रेसिडुअल इंडक्शन करंट इन द मोटर, ठीक है, ड्यूरिंग सडन डी एक्सेलेरेशन और व्हेन कॉन्स्टेंटिंग व्हेन ड्राइव अटेम्प्ट टू स्टार्ट द मोटर, ठीक है। ये एक्चुअल में है क्या, ये करंट ऑफसेट फॉल्ट है, मतलब जो VF मोटर है, जो मोटर को करंट लेना चाहिए तो मोटर उससे ज़्यादा या कम करंट ले रहा है, ठीक है, इसका इसका इस एरर का मतलब ये है, ठीक है। तो अभी हमें क्या चेक करना है, एक तो मेन रीज़न तो ये हो सकता है कि जो CT है, करंट ट्रांसफार्मर है, वो ख़राब हो गया। VFD में एक CT लगी होती है जो करंट रीड करके देती है कंट्रोलर को, VFD का जो कंट्रोल कार्ड होता है उसको वो करंट रीड करके देती है कि अभी इतना करंट है, जो एक रेजिस्टेंस की फॉर्म में देती है। तो उसकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग VFD रीड करती है कि मोटर जो है इतना करंट ले रही है, ठीक है। इसका रीज़न ये हो सकता है कि मोटर जो है या तो CT ख़राब हो गई है, अगर CT करंट ट्रांसफार्मर ठीक है हमारा, तो उस केस में ये हो सकता है कि मोटर जो अटेम्प्ट करी है बार बार, ठीक है, तो उसका जो उसका रैंप अप और रैंप डाउन टाइम जो है वो बहुत शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट टाइम है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, क्रिएट मोटर स्टार्ट सीक्वेंस द अलाउ इनाउथ टाइम टू रिड्यूस इंडक्शन वोल्टेज एंड डिसिपेट, मतलब एक तो हमें जो रैंप अप टाइम है वो बढ़ा देना है, ठीक है, रैंप डाउन टाइम बढ़ा देना है, ठीक है। तो ये अगर हम दोनों करेंगे, और दूसरा क्या है, When using a PM motor, both external speed search 1 and 2 performance the same operation, ठीक है। तो हमें क्या करके देखना है, एक बारी इसको मोटर को ना हमें दो अलग अलग स्पीड पे चला के देखना है, और फिर हमें ये चेक करना है कि करंट जो है वो सेम आ रहा है या करंट कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो हम ये चेक करेंगे तो आई थिंक उससे ये क्लियर हो जाएगा कि भाई हाँ हमारी सिटी में तो प्रॉब्लम नहीं है। तो दूसरा हमें क्या करना है, लोड भी चेक करना है कि मोटर के जो हमारी मोटर है ना उस पर कुछ ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा लोड आ जा रहा है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कई बार, ठीक है। तो हमें यही करके देखना है, और आई होप कि इससे प्रॉब्लम हमारी रिजोल्व हो जाएगी। इसका वह VFD का एक एरर कोड है CPF02, ठीक है, AD कन्वर्जन एरर, ठीक है, AD कन्वर्जन एरर ऑकवर्ड, ठीक है। AD मतलब जो कंट्रोल कार्ड है हमारा वो डैमेज हो गया है, AD मतलब जो डिजिटल कन्वर्जन हो रहा है उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस केस में हमें करना क्या है, साइकिल पावर टू ड्राइव,
ठीक है, इफ प्रॉब्लम कंटिन्यूस दे रिप्लेस द ड्राइव, मतलब हमें ये करना है कि हमें BFD की पावर ऑफ करनी है, वापस से ऑन करनी है, ठीक है। और अगर ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं हुआ है तो BFD को, अगर हमारा कंट्रोल कार्ड डैमेज हुआ है तो रिप्लेस करना पड़ेगा। इस केस में मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि रिप्लेस करना पड़ता है, ठीक है। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, कंट्रोल सर्किट टर्मिनल हैव शॉर्टेड आउट, ठीक है, पॉजिटिव एंड विद द AC, ठीक है। तो जो हमारा एनालॉग जो जो मतलब जो कार्ड है हमारा, जो उसके इनपुट आउटपुट है, जो उसका जो पॉजिटिव वाला सर्किट है वो कहीं सॉरी 230 वोल्ट AC से शॉर्ट हो गया है, ठीक है। तो हमें इसकी एक बारी वायरिंग भी चेक करनी है, करेक्ट करनी है अगर ये प्रॉब्लम है तो, ठीक है। दूसरा क्या है, कंट्रोल टर्मिनल इनपुट करंट हैज़ एक्सीड अलाउड लेवल, ठीक है। ये क्या हो सकता है, जो हमारा कंट्रोल कार्ड है उसका जो मैक्सिमम करंट कैपेसिटी है वो एक्सीड हो गया है, मतलब वो जितना उसका कैपेसिटी है ना उससे ज़्यादा चला गया है, ठीक है। तो हमें चेक क्या करना है, हमें एक बारी उसका करंट चेक करना है, मतलब जो वायरिंग है वो चेक करनी है कि कहीं अर्थिंग से तो कनेक्ट नहीं हो गई है, ठीक है। रिड्यूस द करंट इनपुट टू कंट्रोल सर्किट टर्मिनल पॉजिटिव टू 20 mA, ठीक है। तो मतलब इसमें मेन हमारा यही है कि जो हमारा SMPS लेवल है, ठीक है, जो SMPS की जो कैपेसिटी है वो एक्सीड हो गई है, या फिर हमारा जो कार्ड है वो शॉर्ट सर्किट हो गया है, इसके ये दो तीन रीज़न हो सकते हैं। वैसे मैक्सिमम चांसेस यही होता है कि कार्ड को रिप्लेस कराना पड़े, सॉरी VFD को रिप्लेस कराना पड़ेगा या फिर रिपेयर कराना पड़ेगा। ये स्कावा की VFD का एक एरर कोड है CPF03, ठीक है, PWM डाटा एरर, ठीक। देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद द PWM पल्स विद मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या है, जो हमारी VFD जो होती है ना, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव, वो PWM मेथड पे वर्क करती है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जो हमारा हार्डवेयर है, हार्डवेयर इन द सेंस कि हमारा IGBT सेक्शन जो है, ठीक है, या फिर हमारा इन्वर्टर सेक्शन जो है उसमें फॉल्ट है, तो ये हार्डवेयर डैमेज होता है। तो इसमें ना या तो VFD रिप्लेस होगी हमारी या फिर रिपेयर होगी, मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि रिप्लेस करानी पड़ती है, ठीक है, और कुछ चांसेस ऐसे होते हैं कि रिपेयर होके चल जाती है। तो आपको इस केस में तो यही कराना पड़ेगा, आपको किसी सप्लायर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको कोई बंदा मिल जाता है, ठीक है, जो रिपेयर कर दे तो ठीक है, या फिर नई VFD चाहिए तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसका वह VFD का एक एरर कोड है CPF06 EEPROM डाटा एरर, देर इज़ एरर इन डेटा सेव टू EEPROM। एक्चुअल में होता क्या है, जो हमारा डेटा होता है, डेटा इन द सेंस मतलब हम जो भी VFD में पैरामीटर सेट करते हैं तो वो EEPROM में जाके सेव हो जाता है, ठीक है। तो अभी हुआ क्या है कि जो EEPROM है हमारी वो डैमेज हो गया, या फिर मतलब उसमें कुछ एरर आ गया है। तो उसकी वजह से हो क्या रहा है, हम जो प्रोग्राम या पैरामीटर सेट कर रहे हैं वो सेव नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है, कंट्रोल सर्किट डैमेज हो सकता है, ठीक है, या फिर साइकिल पावर टू हमें सॉरी ये कंट्रोल सर्किट डैमेज है तो हमें इसमें करना क्या है, द साइकिल पावर टू ड्राइव इफ़ प्रॉब्लम इज कंटिन्यू द रिपीट द ड्राइव रिप्लेस द ड्राइव, मतलब जो हमारा VFD है उसकी एक बारी पावर ऑफ करके ऑन करके देख लें, अगर प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाती है ठीक है, अगर नहीं होती है तो या तो रिप्लेस होगी या रिपेयर होगी, दोनों में से एक काम होगा, ठीक है। द पावर सप्लाई वॉज स्विच्ड ऑफ वैन पैरामीटर वॉज रिटन यूजिंग ए कम्युनिकेशन ऑप्शन कार्ड। अच्छा, ये एक रीज़न इसका ये भी हो सकता है कि जब हम किसी कम्युनिकेशन कार्ड के थ्रू मीन्स थ्रू द सॉफ्टवेयर पैरामीटर्स राइट कर रहे हैं, अगर उस केस में पावर सप्लाई चली गई है तो मतलब होता क्या है, उस केस में आधे कुछ पैरामीटर्स राइट हो जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, ठीक है। उस केस में अगर ऐसा होता है तो फिर इसमें करना क्या है, साइकिल पावर टू ड्राइव एंड चेक पैरामीटर अगेन, ठीक है, या फिर हमें VFD को इनिशलाइज करना है। इनिशलाइज मतलब जो VFD को फॉर्मेट करना है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर पे A1- में 03 डाल के, ठीक है। और आई होप कि अगर हम जैसे इनिशलाइज कर देंगे तो प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाएगी, अगर तब भी रिजोल्व नहीं हो रही है तो उस केस में हमें रिप्लेस ही करना पड़ेगा, रिप्लेस या रिपेयर ही कराना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको नई VFD की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसका वह VFD का एक एरर कोड है CPF07 टर्मिनल बोर्ड कम्युनिकेशन एरर, ए कम्युनिकेशन एरर ऑकवर्ड एट द टर्मिनल बोर्ड।
जो VFD पे एक टर्मिनल बोर्ड लगा होता है, ठीक है, जो मतलब आईओ कम्युनिकेशंस का होता है, वो उससे वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे कंट्रोल कार्ड के साथ, मीन्स वो प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो देयर इज अ फॉल्ट कनेक्शन बिटवीन द टर्मिनल बोर्ड एंड कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। टर्न द पावर ऑफ एंड रिकनेक्ट कंट्रोल सर्किट टर्मिनल्स, ठीक है, और इसको वापस से रिपा पावर ऑन करेंगे आप, तो वो आपकी VFD जो है वो ऑन कंडीशन में आ जाएगी और एरर चला जाएगा। और अगर ऐसा करने पे नहीं हो रहा है तो फिर हमारा जो टर्मिनल बोर्ड है वो डैमेज हो चुका है, ठीक है, उसकी वजह से ये इशू आ रहा है। तो अभी हमें करना क्या है, एक बार इसको पावर ऑफ करके इसको एक बारी कनेक्ट करके देखेंगे, जो टर्मिनल बोर्ड है उसको प्रॉपर फिक्स करके ऑन करके देखेंगे, तो आई होप कि प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाएगी। अगर प्रॉब्लम रिजोल्व नहीं हो रही है तो फिर हमारा जो टर्मिनल बोर्ड है वो ख़राब है। तो चलिए ठीक है, आई थिंक अभी आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी नई VFD की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये इसका हुआ कि VFD का एक एरर कोड है CPF08, डबल ई प्रोम सीरियल कम्युनिकेशन फॉल्ट, ठीक है। डबल ई प्रोम कम्युनिकेशन आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। इसमें होता क्या है, एक्चुअल में जो हमारा जो एक मेमोरी कार्ड होता है, ठीक है, जो जिसमें जो सीरियल कम्युनिकेशन है, ठीक है, वो उसी के थ्रू प्रॉपरली मतलब कम्युनिकेट करता है या फंक्शन करता है, ठीक है। द टर्मिनल बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोर्ड इज़ नॉट कनेक्टेड प्रॉपरली, ठीक है। इसमें रीज़न ये भी हो सकता है, जो टर्मिनल बोर्ड है हमारा, ठीक है, वो प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ अगर वो कनेक्टेड नहीं है तो हमारा जो कम्युनिकेशन है, मीन्स जो कम्युनिकेशन वायर्स है वो प्रॉपरली कनेक्ट नहीं होगा मेमोरी के साथ, डबल ई प्रॉम के साथ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, VFD की पावर ऑफ करनी है और कंट्रोल टर्मिनल को वापस से सही से कनेक्ट करना है, ठीक है। और अगर फिर भी ये प्रॉब्लम रिजोल्व नहीं हो रही है तो हमें एक बारी ये चेक करना है कि हमारा जो कंट्रोल टर्मिनल है, ठीक है, वो तो प्रॉब्लम में नहीं है, मीन्स जो हमारा टर्मिनल बोर्ड है वो तो ख़राब नहीं हो गया। अगर वो डैमेज हो गया तो हमें उसको रिप्लेस करना है, अदरवाइज मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि हम उसको जैसे ही मतलब प्रॉपरली कनेक्ट कर देते हैं तो ये जो एरर है वो चला जाता है। तो चलिए ठीक है, आई थिंक अभी आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको नई VFD की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। इसका वह VFD का एक एरर कोड है CPF11, रैम फॉल्ट, ठीक है। VFD में रैम और रोम दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, डबल ई प्रोम और रैम, ठीक है। तो रैम क्या है, इसमें इसकी एक मेमोरी होती है, इंटरनल मेमोरी, वो डैमेज हो गई है, मतलब वो हार्डवेयर, ये रैम फॉल्ट तभी आता है जब वो हार्डवेयर डैमेज हो जाता है इसका। तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें VFD को रिप्लेस ही करना पड़ेगा, इससे लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास, या तो रिपेयर होगा या रिप्लेस होगा, ठीक है। तो एक बारी आप इसको पावर ऑफ करके ऑन करके देख सकते हैं, अगर ठीक हो जाता है ठीक है, अदरवाइज इस केस में तो रिप्लेस ही करना पड़ता है। तो चलिए ठीक है, आई थिंक अगर आपको नई VFD की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसका वह VFD का एक एरर कोड है CPF12, फ्लैश मेमोरी फॉल्ट, प्रॉब्लम विद द रोम। जो VFD में रैम और रोम, किसी भी एक जो कंट्रोलर होता है जिसमें डाटा होता है, एक रैम होती है उसमें एक रोम होता है, ठीक है। तो इस VFD में क्या हुआ है, जो रोम मेमोरी है उसका, जो फ्लैश मेमोरी बोलते हैं जिसको, वो फॉल्टी आ रहा है, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या होता है, हार्डवेयर डैमेज हुआ है, जो मतलब रोम है ना, जो एक तरीके से जैसे बोल देते हैं ना कि हार्ड डिस्क डैमेज हो गई है, ठीक है, किसी भी कंप्यूटर की, तो उस तरीके से जो जिसकी फ्लैश मेमोरी है वो डैमेज हो गई है। तो उस केस में इसको या तो रिप्लेस कराना पड़ेगा या फिर रिपेयर कराना पड़ेगा, इससे अलग कोई दूसरा रीज़न नहीं होता है। और अगर आपको नई VFD की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये इसका हुआ कि VFD का एक एरर कोड है CPF13, वॉच डॉग सर्किट एक्सपेंशन, ठीक है, सेल्फ डायग्नोस्टिक्स प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या होता है, जब भी VFD के हार्डवेयर में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, किसी भी हार्डवेयर में प्रॉब्लम, मतलब जैसे इसका पावर कार्ड डैमेज हो गया है, कंट्रोल कार्ड डैमेज हो गया है, ठीक है,
जो इसका सेल्फ डायग्नोस्टिक होता है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है और वो प्रॉब्लम मिली है तो ये उसको CPF 13 के रूप में दिखाता है, ठीक है। इसको CPF 13 में दिखाया गया, हेयर विल बी CPF 13। ओके, नाउ इट्स नीड टू रिप्लेस द VFD विद न्यू वन VFD। ओके, तो यू कैन रिप्लेस ओनली, देर इज नॉट एनी ऑप्शन टू डू एनीथिंग। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू आर फीलिंग दैट यू वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू, देन प्लीज़ सब्सक्राइब। इफ़ यू हैव रिक्वायरमेंट ऑफ द न्यू VFD देन प्लीज़ मेल, आई ऑलरेडी हैव गिवन द। अगर आपको किसी भी टाइप के पैनल की रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं aldomindia@gmail.com पर। एक बुक का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको परचेज करके पढ़ सकते हैं। ऑटोमेशन की बुक है जो आपके ऑटोमेशन के स्किल्स डेवलप करेगी। यस कवर की VFD का एक एरर कोड है APF 14, कंट्रोल सर्किट फॉल्ट, CPU एरर, ठीक है। VFD क्या होती है मैं बता रहा हूँ, VFD में एक कंट्रोल कार्ड होता है, एक पावर कार्ड होता है, ठीक है। तो जो कंट्रोल कार्ड होता है VFD का, वो एक्चुअल में CPU का काम करता है। कंट्रोल कार्ड इन द सेंस, वहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस होती हैं और वहाँ से कुछ सिग्नल्स जाते हैं, इनपुट आउटपुट जो होते हैं वो कंट्रोल कार्ड में होते हैं, ठीक है। तो वो कंट्रोल कार्ड CPU बोला जाता है, ठीक है। CPU ऑपरेट इंटेक्चुअली ड्यू टू नॉइस। ओके, अच्छा, तो ये और एक होता है हार्ड, सॉरी पावर कार्ड। तो उसमें क्या होता है, फायरिंग, IGBT है ना, और इन्वर्टर सेक्शन, ठीक है। तो वो सारे के सारे जो सेक्शंस होते हैं वो उसमें होते हैं, ठीक है। रेक्टिफायर सेक्शन है, ये सारे के सारे सेक्शन पावर कार्ड में होते हैं। तो जो हमारा कंट्रोल कार्ड है, कंट्रोल कार्ड अभी डैमेज हुआ है, नीड टू रिप्लेस कंट्रोल कार्ड। अगर हम कंट्रोल सर्किट को रिप्लेस कर देंगे तो ये प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाएगी। अच्छा, कई बार क्या होता है, ये प्रॉब्लम ऐसी ओकवर्ड हो जाती है, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ लूज कनेक्शंस, ठीक है, या फिर जहाँ VFD लगी है वहाँ पे थोड़ा वाइब्रेशन ज़्यादा है। तो एक बारी VFD, अगर आप कैपेबल हैं VFD को ओपन करके, कंट्रोल कार्ड डिसकनेक्ट करके, वापस से रिकनेक्ट करके, पावर ऑन करके देखेंगे तो मे बी हो सकता है ये प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाए। अगर नहीं होती है तो देन यू हैव टू रिपेयर दैट कार्ड एंड यू हैव टू रिप्लेस दैट कार्ड, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा उस केस में। तो चलिए ठीक है, आई थिंक अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको नई VFD की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेल ID दी हुई है। यस कावा की VFD का एक एरर कोड है CPF 16, CPF 16, क्लॉक फॉल्ट, स्टैंडर्ड क्लॉक फॉल्ट एरर। तो एक्चुअल में इसमें होता क्या है, जो VFD है उसके जो हार्डवेयर सिस्टम है उसमें एक स्टैंडर्ड क्लॉक होती है, मतलब एक्चुअल में ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो क्लॉक होती है। तो बट अगर हार्डवेयर डैमेज हो जाता है हमारा, इन दैट केस ये एरर आता है। तो कई बारी क्या है, VFD को फैक्ट्री रीसेट करके हम जैसे रन करते हैं तो क्लॉक काम करने लगती है, अदरवाइज मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि VFD को रिपेयर कराना पड़ता है या फिर रिप्लेस कराना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आई थिंक अभी आपको समझ आ गया हो। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यस कावा की VFD का एक एरर कोड है CPF 17, टाइमिंग फॉल्ट, ठीक है। टाइमिंग एरर ऑकवर्ड ड्यूरिंग इंटरनल प्रोसेस, ठीक है। तो ये है क्या, एक्चुअल में जो VFD के अंदर जो टाइम होता है, जो इंटरनल टाइम होता है, ठीक है, तो उस टाइमिंग के हिसाब से VFD के कुछ फंक्शंस काम करते हैं, दे फंक्शन अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग। ओके, तो अभी हुआ क्या, हो क्या रहा है आपकी VFD में, जो दैट हार्डवेयर जो है, जहाँ से जो मेमोरी है, जहाँ पे सेट होता है टाइम जाके सेव हो जाता है, और जो हार्डवेयर सिस्टम है उसका फेलियर हो गया है, तो उसकी वजह से ये VFD रन नहीं कर पा रही है, मीन्स इस एरर को दे रही है कंटिन्यूसली। आप एक बार रिसेट करके, रिप्रोग्रामिंग करके देख लो, अगर हो जाती है ठीक है, अगर नहीं होती है तो उस केस में आपको इसको रिप्लेस ही करना पड़ेगा एनी हाउ। तो चलिए ठीक है, अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपकी कोई नई इंक्वायरी है, आप कुछ नया कुछ भी नई VFD खरीदना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। यस कावा की VFD का एक एरर कोड है CPF 18, कंट्रोल सर्किट फॉल्ट, ठीक है। तो अभी इसमें है क्या, CPU एरर, नॉन मैस्केबल इंटरप्ट, ठीक है। अनयूजुअल इंटरप्ट वाज ट्रिगरिंग बाई नॉइस,
ठीक, तो इसमें है क्या, जो सीपीयू है हमारा उसमें इशू हो गया है, मतलब जो कंट्रोल सर्किट है उसमें फॉल्ट आ गया अभी, ठीक, और जो कि अभी रिप्लेस मतलब रिपेयरेबल भी नहीं है, इस केस में हमें क्या करना पड़ता है, VFD को रिप्लेस करनी पड़ती है मैक्सिमम चांसेस में, ठीक है। और ये जो अनयूजुअल नॉइस हुआ है ना उसकी वजह से हुआ है। अनयूजुअल नॉइस क्या हो सकता है कि कोई अर्थिंग प्रॉपर नहीं है, ठीक है, या कोई दूसरा रीज़न है उसकी वजह से ये हुआ है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, VFD को रिप्लेस ही करना पड़ेगा, ठीक है। मैक्सिमम चांसेस रिप्लेस करने के होते हैं, रिपेयर करने के भी कम चांसेस होते हैं, ठीक है। अगर आपकी कोई नई रिक्वायरमेंट, अगर आप नई VFD लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। इसका वह कि VFD का एक एरर कोड है CPF19, कंट्रोल सर्किट फॉल्ट। तो ये क्या है, CPU एरर, मतलब जो CPU है, जो कंट्रोल गार्ड है उसमें एरर आ गया है, ठीक है, जो मैनुअल रिसेट हुआ है, जो ड्यू टू नॉइस, नॉइस इन द सेंस कि VFD की अर्थिंग प्रॉपर नहीं है, ठीक है, कुछ अनवांटेड वोल्टेज आ गया है साइड से, या फिर VFD के आसपास कोई एक ऐसा इक्विपमेंट लगा हुआ है जिससे नॉइस जनरेट हो रही है, या एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से ये फॉल्ट आया है, ठीक है। तो ये कब आता है, जब हार्डवेयर डैमेज हो गया, मतलब जो CPU है ना वो डैमेज हो गया, ठीक। और इस केस में मैक्सिमम चांसेस में यही होता है कि आपको ये रिप्लेस करना पड़ता है, ठीक है, आपको नया रिप्लेस करना पड़ेगा, इससे अलग कोई सॉल्यूशन नहीं होता है मैक्सिमम चांसेस में। तो अगर आपको नई VFD की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, एक बारी आप इसको रिसेट करके और दोबारा से पावर अप करके प्रोग्राम करके देख लें, अगर हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज मैक्सिमम चांसेस रिपेयर करने के रिप्लेस करने के ही हैं। ये इसका वो कि VFD का एक एरर कोड है CPF20 और 21, ठीक है, ये दो एक दो एरर कोड आ सकते हैं कोई सा भी, ठीक है, और दोनों का सेम रीज़न होता है, वन ऑफ फॉलोइंग फॉल्ट ओकर्ड, रैम फॉल्ट, ठीक है, फ्लैश मेमोरी एरर, वॉच डॉग सर्किट एक्सपेक्शन, क्लॉक एरर, ठीक है। तो ये इसका रीज़न है कि या तो जो रैम है वो फॉल्ट हो गई है, या फिर फ्लैश मेमोरी का एरर है, ठीक है, या फिर जो सर्किट है या फिर कोई क्लॉक है उसका एक एरर आ रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम चांसेस क्या है, या तो रैम फॉल्ट हुआ है, या फिर फ्लैश मेमोरी एरर आ गया, ठीक है, या फिर वॉच डॉग सर्किट एक्सपेक्शन जो सेल्फ डायग्नोसिस से मिल निकल के आता है, ठीक है, या फिर क्लॉक एरर। अगर इनमें से कोई सा भी एक एरर आ रहा है और ये एरर कोड आ रहा है CPF20 और 21, अगर दो ये दो एरर कोड आते हैं, फॉल्ट कोड आ रहे हैं, तो उस केस में क्या है, ये हार्डवेयर डैमेज के कोड है, ठीक है, तो हार्डवेयर डैमेज हुआ है इसकी वजह से आ रहा है। तो आप एक बारी VFD को पावर ऑफ करके ऑन करके देख लो, या फिर रिसेट करके फॉर्मेट करके और वापस से इसको जो जो है ना डिफॉल्ट पैरामीटर पे करके, इनिशियलाइजेशन बोलते हैं उस पर करके, दोबारा से रीप्रोग्राम करके देख लो, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैक्सिमम चांसेस में इसमें नई VFD की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको नई VFD की रिक्वायरमेंट है, नई VFD चाहिए, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेल मैंने दिया हुआ है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप एक बार ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसका हो कि VFD का एक एरर कोड है CPF22, AD कन्वर्जन फॉल्ट एंड AD कन्वर्जन एरर, मतलब AD मीन्स एनालॉग टू डिजिटल, या फिर डिजिटल टू एनालॉग, ठीक है। इस ये क्या होता है, इस कंट्रोल सर्किट जो है वो डैमेज हो गया। कंट्रोल सर्किट मतलब VFD में ना, एक तो पावर कार्ड होता है, कंट्रोल कार्ड होता है। पावर कार्ड का क्या काम होता है, जो हमारी सप्लाई है, जो मतलब इनकमिंग आई है, जो 415 या 230 वोल्ट आई है, उसको DC में कन्वर्ट करना, DC से करके वापस से AC में कन्वर्ट करना, IGBT की फायरिंग और वो सब। और जो कंट्रोल, ये पावर कार्ड का काम होता है, जो कंट्रोल कार्ड होता है उसका काम होता है कि जैसे एनालॉग इनपुट, डिजिटल इनपुट, उसके थ्रू फंक्शनिंग करना, ठीक है। तो ये अभी इसमें क्या हुआ है, वो कंट्रोल कार्ड जो है वो डैमेज हो गया, कंट्रोल सर्किट इज डैमेज, साइकिल पावर टू ड्राइव, ठीक है। एक बारी जो VFD है उसको पावर ऑफ करके, पावर ऑन करके देख लो, आई थिंक ये चला जाएगा, ठीक है। अगर ये प्रॉब्लम कंटिन्यू आ रही है, ठीक है, यदि ये एरर कंटिन्यू आ रहा है, तो इसमें 99% चांसेस ये होते हैं कि आपको नई VFD रिप्लेस करनी पड़ेगी, VFD को रिप्लेस करना पड़ेगा, नई VFD लगानी पड़ेगी। अगर आपको नई VFD की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेल आईडी दी हुई है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
यस्कावा की VFD का एक एरर कोड है CPF32, ठीक है, पल्स विद मॉड्यूलेशन फीडबैक फॉल्ट, PWM फॉल्ट या फिर PWM एरर। ठीक है, ये होता क्या है, जो पल्स विद मॉड्यूलेशन होता है, मतलब जो VFD होती है जो पल्स देती है, ठीक है, तो उसका जो फीडबैक जाता है, जैसे सपोज दैट VFD को बी 50 हर्ट्स निकालना है, ठीक है, और उसका एक फीडबैक जाता है VFD के कंट्रोलर में कि VFD जो है, जो फ्रीक्वेंसी है उसकी 50 हर्ट्स ही है, ठीक है। तो अगर वो फीडबैक जो है वो प्रॉपर नहीं जा रहा है, मीन्स उसका रेस्पॉन्स ठीक नहीं है, तो तब ये एरर आता है। तो इस केस में क्या करना होता है, हमेशा मैक्सिमम टाइम में इसको हमें रिपेयर ही कराना पड़ता है, 99% केस में रिपेयर कराना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको नई VFD की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैंने मेल आईडी दी हुई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको किसी भी टाइप के पैनल की रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं aldomindia@gmail.com पर। एक बुक का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको परचेज करके पढ़ सकते हैं। ऑटोमेशन की बुक है जो आपके ऑटोमेशन के स्किल्स डेवलप करेगी। यस्कावा VFD का एक एरर कोड है CPF24, ड्राइव कैपेसिटी सिग्नल फॉल्ट, एंटायर ड्राइव कैपेसिटी दैट डज नॉट एग्जिस्ट, चेक व्हेन ड्राइव इज पावर्ड अप। ओके, तो ये है क्या, जो ड्राइव की जो कैपेसिटी है, ठीक है, वो जो सपोज दैट हमने पैरामीटर डाल रहे हैं हम मोटर के पैरामीटर, तो उस टाइम पे हमने जो मोटर के पैरामीटर डाले हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमारी ड्राइव है उसकी जो कैपेसिटी है, ठीक है, वो उतनी नहीं है जितना जिस साइज़ का हमने मोटर कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो इस केस में हमें ड्राइव को रिप्लेस ही करना पड़ेगा या फिर नई VFD लगानी पड़ेगी। तो अगर आपको नई VFD की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यस्कावा की VFD का एक एरर कोड है CPF25, टर्मिनल बोर्ड नॉट कनेक्टेड, ठीक है। तो एक्चुअल में है क्या, जो VFD होती है उसमें हमारा टर्मिनल बोर्ड होता है जिसमें इनपुट आउटपुट होता है, वो कनेक्ट नहीं है, टर्मिनल बोर्ड नॉट इज़ कनेक्टेड करेक्टली, मतलब या तो वो कनेक्टेड नहीं है, और अगर कनेक्ट किया हुआ है तो वो गलत लगा हुआ है, मतलब प्रॉपर नहीं लगा हुआ है, ठीक है। रिकनेक्ट द टर्मिनल बोर्ड टू कनेक्ट ऑन ड्राइव, देन साइकिल द पावर टू ड्राइव, मतलब ये पावर ऑफ करके हमें इसको एक बारी फिर से कनेक्ट करना है, ठीक है, और कनेक्ट करके पावर ऑन करनी है। और अगर हमने इसको पावर ऑन कर लिया कनेक्ट करके भी और तब भी ये सेम एरर दे रहा है, तो फिर जो हमारा कनेक्टर बोर्ड है, मतलब जो टर्मिनल बोर्ड है वो ख़राब है, उस केस में टर्मिनल बोर्ड को रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, ठीक है। और अगर फिर भी नहीं, अगर आपने चेक कर लिया है कि टर्मिनल बोर्ड भी ओके है और कनेक्टेड भी प्रॉपर है लेकिन फिर भी सेम एरर आ रहा है, तो तब जो VFD एंड पे जो टर्मिनल्स हैं वो फॉल्टी हैं, वो ख़राब हैं, तो उस केस में आपको जो कंट्रोल कार्ड है इसका उसको रिपेयर कराना पड़ेगा, मीन्स VFD रिपेयर करानी पड़ेगी। तो अगर आपको नई VFD की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर। यस्कावा की VFD का एक एरर कोड है DEV, ठीक है। ये एरर कोड है जो डिफाइन करता है जो VFD है उसमें उसका स्पीड डेविएशन आ गया, ठीक है। फॉर सिंपल V/F विद PG, ओके, अकॉर्डिंग टू द पल्स इनपुट RP, स्पीड डेविएशन इज ग्रेटर देन सेटिंग इन F10, लॉन्गर देन द टाइम सेट टू F11, ठीक है। मतलब जो हमने F10 में जो एक स्पीड सेट कर रखी है, ठीक है, उससे ज़्यादा स्पीड चली गई है, और F11 मतलब कि इस टाइम से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, उसमें चेंज आ गया है, ठीक है। अब इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, जो VFD का जो मोटर है उस पर बहुत हैवी लोड लगा हुआ है, ठीक है, बिकॉज VFD ने एक बारी फ्रीक्वेंसी की स्पीड तो दे दी बट वो कंटिन्यू वहीं से इंक्रीज हो जा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ हैवी लोड। तो इसमें लोड रिड्यूस करके चेक करने की ज़रूरत है एक बारी। दूसरा क्या है, एक्सेलेशन और डी एक्सेलेशन टाइम जो है वो बहुत कम रखा हुआ है, ठीक है। तो एक बारी इसमें एक्सेलेशन टाइम और डी एक्सेलेशन टाइम को बढ़ाने की ज़रूरत है। एक्सेलेशन टाइम हमारा बढ़ेगा C1-01 पे,
और डी एक्सीलेशन C1-08 पर, ठीक है। तो हमें इसको एक बारी एक्सीलेशन और डी एक्सीलेशन टाइम को चेंज करने की ज़रूरत है। दूसरा, द लोड इज लॉक्ड अप, ठीक है। लॉक्ड अप इन द सेंस मतलब जो मशीन है, ठीक है, उसमें जो लोड है वो फिक्स हो गया है, फ्रीज्ड हो गया है, ठीक है। एक बारी मशीन को चेक करने की ज़रूरत है, मतलब मशीन की गरारी, कोई पुली या फिर कपलिंग्स वगैरह कुछ जाम तो नहीं हो गया, वो एक बारी चेक करने की ज़रूरत है, ठीक है। पैरामीटर्स आर नॉट सेटेड प्रॉपरली, ठीक है। जो पैरामीटर हैं F10 और F11 पे, मतलब कि भी कितना फ्रीक्वेंसी रहना चाहिए और कितने टाइम तक मैक्सिमम जा सकता है F10 और F11, ठीक है। ये इसमें आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और इसमें टाइम, F11 में टाइम एक बार ही चेक करना है, वो प्रॉपर और बेटर होना चाहिए। मोटर ब्रेक इंगेज्ड, ठीक है। इंश्योर द मोटर ब्रेक रिलीज्ड प्रॉपरली, मतलब इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है जो VFD पे जो मोटर लगी है उस मोटर की जो ब्रेक है, ठीक है, वो इंगेज तो नहीं हो गया, मतलब उसने मोटर को जाम तो नहीं कर रखा है, एक बार ये चेक करना है, ठीक है। तो ये कई सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है। डेविएशन इज ग्रेटर देन, मतलब जो स्पीड का जो डेविएशन है, मतलब स्पीड का जो चेंजेस है, ठीक है। जैसे सपोज दैट अभी क्या है, VFD को फ्रीक्वेंसी दी 50 हर्ट्ज की, VFD मोटर को कंटिन्यू 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दे रही है, बट मोटर जो है वो एक्चुअल में 30 हर्ट्ज पर रन कर रही है और ये कंटिन्यू बहुत देर तक चल रहा है, ठीक है। तो इसका रीज़न ये भी हो सक ये हो सक मतलब ये इसका रीज़न है मेन, और इसके मतलब इस एरर का मतलब है, और इसके रीज़न ये हो सकते हैं, यहाँ से आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है अभी अगर आप इन सब चीज़ों को चेक करके एक बार ही देखेंगे तो आपको समझ आ गया होगा। आप एक बार ही चेक करके देखिए, और अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको नई VFD की रिक्वायरमेंट है या पैनल की, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। इस खबर की VFD का एक एरर कोड है DWFL और DWAL, ठीक है, ड्राइव वर्क EZ फॉल्ट, ठीक है। तो ये एक्चुअल में हो क्या, ड्राइव वर्क प्रोग्राम एरर आउटपुट, ठीक है, फॉल्ट आउटपुट बाय ड्राइव वर्क EZ करेक्ट द कॉज ऑफ द फॉल्ट, ठीक है। तो ये एक्चुअल में ये एरर क्या है, जो ड्राइव का जो वर्क्स EZ है, ठीक है, ड्राइव वर्क्स EZ उसके जो प्रोग्राम में है वो फॉल्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको जो प्रोग्रामिंग के जो पैरामीटर्स आपने डाले हैं, जो आपने पैरामीटर्स सेट किए हैं, ये उसका फॉल्ट है, आपको वो पैरामीटर करेक्ट करने हैं, ठीक है। तो आई थिंक अभी आपको समझ आया होगा कि करना क्या है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये इसका हुआ कि VFD का एक एरर कोड है EFALT, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या है, वॉच डॉग टाइमर एरर का एरर आ रहा है, वॉच डॉग टाइम आउट, ठीक। तो एक्चुअल में है क्या, जो VFD का जो टाइम होता है, जो ड्राइव का जो टाइम होता है, डाटा हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम द PLC ट्रिगरिंग द वॉच डॉग टाइमर, मतलब जो PLC से जो एक ट्रिगर आता है, जो डेटा आता है, ठीक है, ट्रिगर करने के लिए, ठीक है, तो वो डेटा नहीं रिसीव हो रहा है, एग्जीक्यूट डिसकनेक्ट और ALM-Clear क्लियर अलार्म, देन इशू ए कनेक्ट कमांड और सिस कनेक्ट कमांड एंड प्रोसीड टू फेज 3, ठीक है। तो एक्चुअल में करना क्या है, ठीक है, इसको डिसकनेक्ट करना है, अलार्म को क्लियर करना है, दोबारा से कनेक्ट की कमांड देनी है, और SYNS SET कमांड दोबारा देनी है, देन प्रोसेस 3 के लिए, मतलब फेज 3 के लिए प्रोसेस होगा। तो आप ये सब करेंगे तो आपकी जो आपका जो एरर है, जो प्रॉब्लम है, वो रिजोल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो PLC और VFD का कम्युनिकेशन के साथ, PLC मास्टर है और VFD स्लेव है, इसके कम्युनिकेशन के साथ चल रहा है ये प्रोग्राम आपका, तो ये उसकी वजह से, ये सिर्फ उसी एप्लीकेशन में आता है जहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा हो PLC के साथ। तो ठीक है, आई थिंक अभी आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये इसका हुआ कि VFD का एक एरर कोड है EF0 ऑप्शन कार्ड एक्सटर्नल फॉल्ट, एक्सटर्नल फॉल्ट कंडीशन इज प्रेजेंट, मतलब VFD जो होती है इसमें, इसको हम ऐसे प्रोग्राम कर सकते हैं कि अगर सपोज दैट हमने कोई दूसरा सिस्टम कम्युनिकेट किया हुआ या नहीं भी किया हुआ है,
तो हम उसको इंटरलॉक कर सकते हैं एक फॉल्ट के साथ, मतलब जब ये वाला डिजिटल इनपुट आएगा तो VFD में फॉल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे सपोज दैट हमने कोई VFD कम्युनिकेट की हुई है PLC के साथ, तो PLC से एक कोई एक एरर हम जनरेट करते हैं, मतलब एक आउटपुट जनरेट करते हैं जो VFD पे इनपुट होता है, और जिसकी वजह से हम लोग इसको हम एक्सटर्नल फॉल्ट कंसिडर कर लेते हैं और VFD हमारी रुक जाती है, तो मतलब मोटर उस टाइम पे स्टॉप हो जाती है। और ये मैक्सिमम टाइम इमरजेंसी के केस में किया जाता है, जैसे सपोज दैट कोई इमरजेंसी का बटन है या इमरजेंसी का कोई भी स्विच है वो हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ, जैसे मतलब कोई इमरजेंसी आ गई तो इमरजेंसी बटन प्रेस किया और जो सिस्टम है वो रुक जाए, मतलब VFD जो है आपकी स्टॉप हो जाए उस केस में। तो अभी क्या है, ये एरर आया हुआ है और ये एरर सिर्फ उसी वजह से आ रहा है, तो इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि जो वायर है हमेशा NC में कनेक्ट किया जाता है इसको, तो मे भी हो सकता है वायर बीच में से ब्रेक हो गई हो, या फिर VFD जो सॉरी PLC जो है PLC से वो प्रॉब्लम ऑकवर्ड हो रही हो। मे भी हो सकता है PLC का जो लॉजिक है, जो हमने जहाँ पर हमने प्रोग्राम लिखा हुआ है उसमें कुछ इशू हो सकता है, मतलब ये हो सकता है कि लॉजिक प्रॉपर ना लिखा हुआ और उसके कंटिन्यू आउटपुट जनरेट हो जा रहा हो, ठीक है। तो ये कई सारे रीज़न हो सकते हैं इसके, और मैक्सिमम मतलब ज़रूरी नहीं है कि PLC हो, BMS सिस्टम हो सकता है, स्काडा सिस्टम हो सकता है आपका, या फिर कोई दूसरा कोई SPM हो सकती है, मतलब कुछ भी हो सकता है जहाँ से एक इमरजेंसी का इनपुट आया हुआ है, ठीक है। तो मे भी हो सकता है कि कोई सिस्टम भी ना हो, उस केस में भी हम लोग मतलब कोई एक इमरजेंसी उस बटन लगा के उसको एज ए एक्सटर्नल अलार्म के लिए हमने क्रिएट किया हुआ है। तो अभी आपको ये सारी कॉजेज चेक करनी है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि आपका एरर कैसे रिजोल्व होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर आपको नई VFD की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। ये इसका हुआ कि VFD के कुछ एरर कोड हैं EF54567, ठीक है। ये क्या है, एक्सटर्नल फॉल्ट है, ठीक है। एक्सटर्नल फॉल्ट, एज मल्टी फंक्शन इनपुट टर्मिनल्स S4, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल फॉल्ट है वो जब ऑकवर्ड होता है, मतलब जो एक्सटर्नल इनपुट आता है, तो तब ये एरर आएगा, ठीक है। अब ये एक्सटर्नल इनपुट कहाँ से आ रहा है, इनपुट मतलब जो VFD का डिजिटल इनपुट है उस पे, ठीक है। तो ये कहाँ से आ रहा है, ये किसी BMS सिस्टम से आ सकता है, PLC से आ सकता है, स्काडा सिस्टम से आ सकता है, किसी भी सिस्टम से आ सकता है, ठीक है। तो ये और इसका एक रीज़न और भी हो सकता है, ठीक है। जो वायर है वो बीच में से ब्रेक हो सकता है। रिमूव द केस कॉज ऑफ एक्सटर्नल फॉल्ट एंड रिसेट द फॉल्ट, ठीक है। वायरिंग इज इनकरेक्ट, इंश्योर दैट सिग्नल लाइन्स हैव बीन कनेक्टेड प्रॉपरली, टर्मिनल असाइंड एक्सटर्नल फॉल्ट, रिकनेक्ट द सिग्नल लाइन। मतलब मैं बताया ये XNC कॉन्टैक्ट में लिया जाता है, मतलब 24 वोल्ट अगर कंटिन्यू आ रही है तब फॉल्ट नहीं आएगा, जैसे ही ब्रेक होगी तो फॉल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये उस केस में लिया जाता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है, जो वायर है हमारी वो बीच में से ब्रेक हो सकती है, उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि बीच से ब्रेक हो रखी हो, ठीक है। तो और इसका सेटिंग भी हो सकती है, मतलब कोई हमने आउटपुट जो है सॉरी इनपुट जो है असाइन, मतलब रिक्वायर्ड नहीं थी बट हमने असाइन कर दिया है गलती से, बाय मिस्टेकली, तो हमें वो भी चेक करना है, ठीक है। दूसरा क्या है, जो हमारा VFD एफ सॉरी PLC एंड है उससे सिग्नल आ रहा हो, मतलब आउटपुट हाई हो गया उधर से, ये भी रीज़न हो सकता है। तो ये कई सारे रीज़न हो सकते हैं। तो आई थिंक अभी आपको समझ आ गया होगा कि ये क्या रीज़न है और क्यों ये हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, आपको समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको नई VFD की रिक्वायरमेंट है, इफ़ यू हैव रिक्वायर्ड ऑफ द न्यू वन VFD किसी भी एप्लीकेशन पे हो, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। इसका हुआ कि ये VFD का एक एरर कोड है END1, ठीक है। एक्सेसिव VBIF सेटिंग्स डिस्प्ले आफ्टर ऑटो ट्यूनिंग इज़ कम्प्लीट, ठीक है। ये एरर तब आता है जब ऑटो ट्यूनिंग कम्प्लीट हो गई है, ठीक है। बट जो हमारा ये टॉर्क जो होता है, द टॉर्क रेफरेंस एक्सेड 20% ड्यूरिंग द ऑटो ट्यूनिंग, ठीक है। द नो लोड करंट एक्सेसिड 80% ऑफ द ड्राइव रेटेड करंट ड्यूरिंग ऑटो ट्यूनिंग। ये होता है क्या एक्चुअल में, मैक्सिमम टाइम में जैसे हम मोटर ट्यूनिंग करते हैं, तो जो हम मोटर के पैरामीटर डालते हैं, पैरामीटर जो हम एंटर करते हैं T03 से T103 से T105 में, जो मोटर की नेम प्लेट पे होता है,
तो अगर हम वो थोड़ा गलत पैरामीटर डाल देते हैं तो तब होता है। तो आपको क्या करना है, एक बारी मोटर के जो पैरामीटर हैं वो प्रॉपरली डालने हैं एक बारी, ठीक है। और अगर इसको एक बार ऑटो ट्यून करके देखना है, अगर ऑटो ट्यून होने पे ये इशू नहीं आता है, मतलब ये वाला एरर जो है वो दोबारा नहीं आता है, END1 दोबारा से नहीं आता है, तो आपको क्या करना है। सो तो ठीक है, अगर आता है फिर भी आ रहा है तो उस केस में आपको एक बारी जो मोटर है उसको रिलीज, मतलब जो लोड है उस पर लोड फ्री कर देना है उसको, उस पर कोई लोड नहीं होना चाहिए। देन आप एक बारी इसको रन करके देखेंगे तो आई होप कि ये जो एरर है, ये जो प्रॉब्लम है, ये रिजोल्व हो जाएगी और उसके बाद ये वाला एरर रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप कि अभी आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इफ़ यू आर फीलिंग दैट ये वीडियो हेल्पफुल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और अगर आपको नई VFD की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। यस कहा कि VFD का एक एरर कोड है END3, ठीक है, रेटेड करंट सेटिंग अलार्म, ठीक है। तो ये एरर एक्चुअल में कब आता है, जब आप ऑटो ट्यूनिंग कर रहे हैं और ऑटो ट्यूनिंग के दौरान ये आपका एरर आता है, ठीक है। तो इसमें है क्या, मैं आपको बता रहा हूँ इसके क्या रीज़न हो सकते हैं, कॉज क्या क्या हो सकते हैं। द मोटर लाइन टू लाइन रेसिस्टेंस एंड मोटर रेटेड करंट आर नॉट कॉन्स्टेंट विद वन मोटर, ठीक है। एक तो रीज़न ये हो सकता है, या फिर मोटर के जो पैरामीटर है ना वो गलत हो सकते हैं, ठीक है। तो T1-04 की में जो है ना, आप मोटर के पैरामीटर चेक कर लो, ठीक है। और अब जो मोटर की एक नेम प्लेट होती है, नेम प्लेट पे जो पैरामीटर है वो आप पैरामीटर डाल के, ठीक है, दोबारा से ऑटो ट्यूनिंग करो। आई होप कि ये एरर नहीं आएगा, और अगर फिर भी आ रहा है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यस कहा कि VFD का एक एरर कोड है ERROR1, मोटर डाटा एरर, ठीक है। तो एक्चुअल में है क्या, जो VFD में अपने मोटर के पैरामीटर सेट किए हुए हैं वो पैरामीटर गलत है, ठीक है, ये रीज़न हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि मोटर का जो रेशियो है देन VFD वो बहुत ज़्यादा डिफर है। तीसरा ये हो सकता है कि आपकी जो मोटर है वो जो जो पुलिंग या मतलब कपलिंग में या जहाँ भी वो है लगी हुई वो स्टक्ड है, जाम है, ठीक है, या लोड है उस पर, ये कई सारे रीजन हो सकते हैं। पहले हम वन बाय वन कॉज डिस्कस करते हैं, जैसे मोटर डाटा एंटर ड्यूरिंग ट्यूनिंग वॉज इनकरेक्ट, ठीक है। ट्यूनिंग ऑटो ट्यूनिंग के दौरान अपने मे भी हो सकता है डेटा इनकरेक्ट डाला हो, आपको क्या करना है, ऑटो ट्यूनिंग रिस्टार्ट करनी है विद करेक्ट डेटा, ठीक है। दूसरा क्या है, मोटर आउटपुट एंड मोटर रेटेड करंट सेटिंग, ठीक है, जो मोटर की जो आउटपुट है और मोटर का जो रेटेड करंट है, ठीक है, वो मैच नहीं हो रहा है। तो आपको T1-02 और T1-04 में जो आपने डेटा डाला है, ठीक है, द चेक द ड्राइव एंड मोटर कैपेसिटीज, मतलब ड्राइव और मोटर की ड्राइव की कैपेसिटी एंड मोटर दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। और करेक्ट सेटिंग ऑफ द पैरामीटर, आपको एक बार ये पैरामीटर चेक करने हैं, मोटर आउटपुट एंड नो लोड करंट सेटिंग, ठीक है, T1-04 और E2-3 डू नॉट मैच डाटा रिक्वायर्ड व्हेन ऑटो ट्यूनिंग फॉर OLV कंट्रोल, ठीक है, और स्टेशनरी ऑटो ट्यूनिंग, ठीक है। तो इसमें भी हमें करना ही क्या है, यही करना है कि जो मोटर के पैरामीटर्स हैं, ठीक है, वो चेक करने हैं एक बारी, वो करेक्ट करने हैं हमें, ठीक है, नो लोड पे करने हैं, ठीक है। और बेस फ्रीक्वेंसी एंड बेस मोटर रोटेशन T105 एंड T107 मैच नहीं हो रहे, ठीक है। तो आपको T105 एंड T107 में जो वैल्यूज़ हमने डाली हैं, बेस फ्रीक्वेंसी एंड बेस मोटर रोटेशन, वो वैल्यूज़ मैच करने चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक अगर आप ये सब करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाएगी। अगर आपकी फिर भी प्रॉब्लम रिजोल्व नहीं हो रही है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका वह कि VFD का एक एरर कोड है ERR2, माइनर फॉल्ट, ठीक है। तो इसमें अभी है क्या, ये कब आता है, जब हमारे मोटर जो है वो VFD उसके पैरामीटर करेक्ट नहीं होते हैं तब आता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अभी हमें एक तो ये रीज़न हो सकता है कि जब हम ऑटो ट्यूनिंग की है उस टाइम पे मोटर के पैरामीटर हैं वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि वायरिंग फॉल्टी था। तीसरा ये हो सकता है लोड ज़्यादा है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, एंटर द करेक्ट डेटा, ठीक है, रीस्टार्ट ऑटो ट्यूनिंग, एंटर करेक्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब दोबारा से ऑटो ट्यूनिंग करनी है और डाटा सही डाटा डालना है। दूसरा वायरिंग चेक करनी है, ठीक है, डिफेक्टिव तो नहीं है, कहीं पे कनेक्शंस तो लूज नहीं है,
ठीक है, और मशीन देखनी है कि जो मशीन है हमारी, मतलब जो मोटर है उसको, उसको जहाँ लगी है उस पर कुछ ज़्यादा हैवी लोड तो नहीं है। ठीक है, तो हमें ये कई सारे पैरामीटर्स चेक करने हैं। आई होप अगर इनमें से कोई सा एक कॉज मिल जाएगा जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब। इस कवर की VFD का एक एरर कोड है ER03 स्टॉप बटन इनपुट। ठीक है, तो अभी एक्चुअल में क्या है, आप ये ऑटो ट्यूनिंग कर रहे होंगे, ऑटो ट्यूनिंग के दौरान आपने स्टॉप बटन प्रेस कर दिया है जिसकी वजह से ये एरर जनरेट हुआ है। ठीक है, तो आप इस एरर को रिसेट करके चला देंगे तो वापस से ऑटो ट्यूनिंग करेंगे तो हो जाएगा। मीन्स ये होता क्या है कि ऑटो ट्यूनिंग नहीं हो पाई है प्रॉपर। ठीक है, ऑटो ट्यूनिंग did not completed properly and while to be perform again, ठीक है, we'll have to perform again, मतलब ऑटो ट्यूनिंग नहीं हुई है, इसको दोबारा से ऑटो ट्यूनिंग क्यों करना है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यस कावा के VFD का एक एरर कोड है ER04 लाइन टू लाइन रेसिस्टेंस एरर। ठीक है, ये एरर एक्चुअल में है क्या, जब हम ऑटो ट्यूनिंग कर रहे थे, मोटर डाटा एंटर्ड ड्यूरिंग ऑटो ट्यूनिंग वाज इनकरेक्ट। जब हमने ऑटो ट्यूनिंग की है तो उस टाइम पे जो मोटर का डेटा है वो गलत डाल दिया गया है। ठीक है, एंटर द करेक्ट डेटा, रिस्टार्ट एंड ऑटो ट्यूनिंग एंड एंटर द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। हमें इस VFD की ऑटो ट्यूनिंग दोबारा से करनी पड़ेगी। ठीक है, जो कुछ मोटर के पैरामीटर्स होंगे या कुछ दूसरे पैरामीटर होंगे वो प्रॉपर नहीं डले हैं। ऑटो ट्यूनिंग डिड नॉट कंप्लीट विद इन डिज़ाइन टाइम फ्रेम, मतलब एक जो डिज़ाइन टाइम फ्रेम होता है, एक VFD का एक अपना जो सॉफ्टवेयर है उसमें एक डिज़ाइन टाइम होता है कि इतने टाइम के अंदर ऑटो ट्यूनिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए, तो वो उस टाइम में नहीं हुई है कंप्लीट। ठीक है, ड्राइव कैलकुलेटेड वैल्यू आउटसाइड पैरामीटर सेटिंग रेंज। जो VFD में एक पैरामीटर्स की रेंज होती है, जैसे सपोज दैट कि वोल्टेज जो है इतने से इतना जा सकता है, करंट इतने से इतना जा सकता है, या फ्रीक्वेंसी इतने से इतना रहेगी। ठीक है, तो वो जो डेटा है, वो डेटा जो VFD के जो पैरामीटर की जो सेटिंग है उस रेंज से ज़्यादा चला गया। ठीक है, तो अब इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, मोटर फॉल्टी हो सकता है आपका, या फिर मोटर की वायरिंग फॉल्टी हो सकती है, मीन्स इनकरेक्ट हो सकती है, कहीं शॉर्ट हो सकता है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें मोटर को जो लोड है, मे बी इसमें एक रीज़न और भी हो सकता है कि मोटर पे लोड ज़्यादा हो। अगर मोटर पे कोई लोड है तो हमें क्या करना है, उसको लोड को हटा देना है, और हटा के इसको मोटर को बिल्कुल फ्री करके, फ्री फ्लो मोड में ला के, और फिर हमें इसकी ऑटो ट्यूनिंग करनी है। तो आई होप कि उसके बाद जो ऑटो ट्यूनिंग होगी आपकी ये प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाएगी। और अगर आपकी प्रॉब्लम फिर भी रिजोल्व नहीं हो रही है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसका वह कि VFD का एक एरर कोड है ER05 नो लोड करंट एरर। ठीक है, मोटर डाटा एंटर्ड ड्यूरिंग ऑटो ट्यूनिंग वॉज इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये एक्चुअल में है क्या, नो लोड करंट एरर आ रहा है अभी, मतलब जो VFD है उसमें नो लोड करंट एरर आ रहा है। इसका रीज़न क्या होगा, जब हमने ऑटो ट्यूनिंग की है उस टाइम पे मोटर का जो डेटा है वो प्रॉपर नहीं डाला है, पूरा डेटा नहीं है, उसकी वजह से ये एरर आ रहा है। तो हमें क्या करना है, रिस्टार्ट ऑटो ट्यूनिंग करनी है। ठीक है, और दोबारा से डेटा करेक्ट डालना है। ठीक है, दूसरा रीज़न इसका क्या होगा, जो ऑटो ट्यूनिंग है वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, एक टाइम पीरियड होता है कि इतने सेकंड के अंदर या इतने मिनट के अंदर ऑटो ट्यूनिंग होनी चाहिए, जो VFD में एक प्री डिफाइंड टाइम होता है, उससे ज़्यादा टाइम ले लिया है। तीसरा क्या है, जो ड्राइव कैलकुलेटेड वैल्यूज़ हैं, जो मतलब पैरामीटर्स की जो सेटिंग डाली है वो सही नहीं है, वो प्रॉपर नहीं है। ठीक है, तो उस रेंज से बाहर जा रहा है मोटर का, मोटर जो लोड ले रहा है, जो करंट ले रहा है, जो टॉर्क है, वो सब उससे बाहर जा रहा है, आउट ऑफ दैट जा रहा है। तो हमें क्या करना है, एक बारी मोटर का डेटा प्रॉपर डालना है। ठीक है, और ये करना है कि मोटर की जो वायरिंग है वो तो गलत नहीं है, एक बारी वायरिंग चेक करनी है, कहीं से ब्रेक तो नहीं है, कहीं शॉर्ट तो नहीं है। ठीक है, और तीसरा क्या करना है कि मोटर की जो मोटर को ना एक बारी फ्री करके इसको हमें फ्री मोड में रन करना है, और ये देखना है कि फ्री मोड में जब हम रन करेंगे तो उस केस में ये प्रॉब्लम रिपीट नहीं होगी, ये प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हमें ये दो तीन चीज़ें करनी है जो मैंने बताया। एक बारी मोटर को आप डिसकनेक्ट कर दीजिए,
ठीक है, डिसकनेक्ट इन द सेंस कि आपने किसी मशीन पे या कहीं आगे जो आउटपुट है मोटर का उसको फ्री लोड कर दीजिए और तब एक बारी आप रोटेशनल मोड में ऑटो ट्यूनिंग स्टार्ट कीजिए और अब तब आप मोटर ऑटो ट्यूनिंग करेंगे। आई होप कि उसके बाद आपकी प्रॉब्लम 100% रिजोल्व हो जाएगी। यस्कावा की VFD का एक एरर कोड है ER08, रेटेड स्लिप एरर। ठीक है, ये रेटेड स्लिप क्या होता है, जैसे सपोज दैट मोटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो VFD के आउटपुट से 50 हर्ट्ज निकल रही है, बट एक्चुअल में जो मोटर रन कर रही है वो उससे कम फ्रीक्वेंसी पे रन कर रही है या कभी कभी ज़्यादा चली जाती है। इट्स कॉल्ड समटाइम स्लिप कंपनसेशन ऑल्सो। ठीक है, तो अभी क्या है, जो फ्रीक्वेंसी मोटर की है VFD से आउटपुट निकल रही है और मोटर की जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए उसके बीच में स्लिप हो रहा है कुछ। ठीक है, तो अभी क्या है, जो डेटा है मोटर का, जो डेटा है वो आपने VFD में करेक्ट नहीं डाला है, मीन्स ऑटो ट्यूनिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हुई है। ठीक है, उसकी वजह से ये एरर आ रहा है। तो हमें क्या करना है, एक बारी मोटर के जो पैरामीटर हैं VFD में वो प्रॉपरली और बिल्कुल करेक्ट डाल देने हैं एक बार। ठीक है, तो जैसे ही हम सारे के सारे पैरामीटर्स करेक्ट एंटर कर देंगे तो ये प्रॉब्लम आई होप कि रिजोल्व हो जाएगी। ठीक है, तो आपको दोबारा से ऑटो ट्यूनिंग करनी है और ऑटो मोड में करनी है। ठीक है, और रोटेशनल मोड में करनी है। ठीक है, रोटेशनल मोड इन द सेंस मोटर पे जो लोड है वो लोड हम डिस्कनेक्ट कर देंगे और उसको रोटेट करके तब चलाएंगे। दूसरा क्या है, हमें कुछ जो हम ऑटो ट्यूनिंग कर रहे हैं वायरिंग्स वगैरह चेक करनी है, मोटर तो फॉल्टी नहीं है ये चेक करना है। ये इसके कई सारे कॉज हो सकते हैं, अगर वायरिंग में कोई प्रॉब्लम है मतलब कनेक्शन गलत है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो वायरिंग है वो हमने की है लेकिन उसमें कहीं बीच में वायर में ब्रेक है, कहीं शॉर्ट सर्किट हो रहा है या अर्थिंग हो रही है, तो ये भी कुछ रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, और हमें ये चेक करना है कि जो मशीन है, मशीन इन द सेंस जो मोटर की जो आउटपुट है, ठीक है, वो जहाँ लगी है, जहाँ कनेक्टेड है वहाँ पे लोड बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि वो पुली जाम हो रही है, मोटर रोटेट ही ना हो पा रही हो। ठीक है, तो ये हम कुछ पैरामीटर्स हैं ये देख लेंगे, आई होप कि आपकी प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यस्कावा VFD का एक एरर कोड है 9, एक्सेलेरेशन एरर। ठीक है, डिटेक्टेड ओनली ड्यूरिंग रोटेशनल ऑटो ट्यूनिंग। ठीक है, ये एरर सिर्फ तब होता है जब हम मोटर की जो ऑटो ट्यूनिंग है वो रोटेशनल मोड में करते हैं, ये एरर सिर्फ तब जनरेट होता है। ठीक है, तो अभी क्या है, द मोटर डिड नॉट एक्सेलेरेट स्पेसिफाइड एक्सेलेरेशन टाइम, मतलब जो हमने मोटर का जो एक्सेलेरेशन टाइम सेट किया है ना C01 में, वो उतनी देर में मोटर एक्सेलेरेट नहीं हो पा रहा है, मतलब मोटर की जो स्पीड होनी चाहिए ना वो उतने सेकंड में उतने टाइम में वो उतनी स्पीड आ नहीं रहा है, उतने टाइम सेकंड में या मिनट में, अपने जितने भी सेकंड या मिनट डाले। ठीक है, अब क्या है, चेक इफ द पॉसिबल डिसकनेक्टेड मशीन फ्रॉम द मोटर। ठीक है, हमें क्या करना है कि मोटर को डिस्कनेक्ट कर देना है एक बारी लोड से। ठीक है, और इसको तब एक बारी ऑटो ट्यूनिंग करनी है। ठीक है, एक बारी रन करके देखना है, तो आई होप कि तब हो जाएगा। दूसरा क्या है, टॉर्क लिमिट व्हेन मोटरिंग इज टू स्लो। ठीक है, जो टॉर्क की जो लिमिट है ना वो बहुत कम है। ठीक है, L7-01-02 में। ठीक है, तो हमें एक बारी जो टॉर्क है वो थोड़ा सा बढ़ाना है L7-01-02 में। ठीक है, तो आई होप कि आप ये दोनों एक्टिविटी करेंगे तो आपका, एक तो आपको जो एक्सेलेरेशन टाइम है वो कुछ बढ़ाना है थोड़ा सा, और टॉर्क थोड़ा सा बढ़ाना है। ठीक है, और एक बारी मोटर को लोड से डिस्कनेक्ट करके रन करके देख लें, तो आई होप कि वो प्रॉब्लम आपकी रिजोल्व हो जाएगी। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यस्कावा की VFD का एक एरर कोड है ERROR11, मोटर स्पीड फॉल्ट डिटेक्टेड व्हेन ऑटो ट्यूनिंग इज इनेबल्ड। ठीक है, जब हम लोग ऑटो ट्यूनिंग कर रहे हैं तो उस केस में ये एरर आ गया है हमारा। ठीक है, तो मोटर स्पीड फॉल्ट है। ठीक है, टॉर्क रेफरेंस इज टू हाई, इनेबल्ड OLB ओनली। ओके, इंक्रीज द एक्सेलेरेशन। ठीक है, हमें एक बार एक्सेलेरेशन का बढ़ा के देखना है। दूसरा क्या है, स्पीड फॉल्ट इन द सेंस कि जब हम मोटर को एक फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं तो वो उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, सब जो VFD मोटर को एक फ्रीक्वेंसी राइज करती है जिस उस फ्रीक्वेंसी पे मोटर नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना है, एक्सेलेरेशन जो इंक्रीज करना है हमें इसका एक्सेलेरेशन टाइम।
ठीक है, तो कि बहुत धीरे धीरे से मोटर ऑन होगी तो वो अपनी उस फ्रिक्वेंसी पे, सेट फ्रिक्वेंसी पे पहुंच जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या है, मोटर से ना लोड कब ख़त्म कर देना है, मीन्स मोटर जहाँ कनेक्टेड है, सपोज दैट अगर मोटर कहीं पे कनेक्टेड है आउटपुट मोटर का, तो वो लोड डिसकनेक्ट कर देना है एक बारी और तब हमें इसको रन करके देखना है। तो आई होप कि उससे आपकी प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाएगी। ठीक है, और इसका केबल लेंथ पे भी डिपेंड करता है, अगर केबल की जो लेंथ है VFD टू मोटर बहुत ज़्यादा लेंथ है तो तब भी ये इशू आ सकता है, इट्स कुड बी राइज। ठीक है, तो आप पहले इसका जो आपका एक्सेलेरेशन टाइम है वो बढ़ा के देख लीजिए। ठीक है, तो ये ऑटो ट्यूनिंग के दौरान ही ये एरर आता है, तो आप एक बार बढ़ा के देख लिया, आई होप कि इससे आपकी प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाएगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये इसका वो कि VFD का एक एरर कोड है, एरर 12, करंट डिटेक्शन एरर। ठीक है, वन ऑफ मोटर फेज इज मिसिंग। ठीक है, तो ये एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जो मोटर है VFD से जो मोटर पे वायर गई हैं, ठीक है, उनमें से कोई सा एक फेज मिसिंग है VFD की आउटपुट का फेज, मीन्स मोटर पे तीनों फेज नहीं प्रॉपर पहुंच रहा है पा रहे हैं प्रॉपर। तो उनमें से कई सारे रीज़न हो सकते हैं, एक तो रीज़न ये हो सकता है कि मोटर की जो हमारी वायर गई है वो बीच में से कहीं ब्रेक हो गया, या फिर VFD के जो टर्मिनल है उसमें कुछ इशू आ गया, मीन्स वहाँ पर प्रॉपर टाइट नहीं है। ठीक है, ये रीज़न हो सकता है। करंट एक्सीड करंट ड्यूरिंग ऑफ द ड्राइव, ठीक है, करंट रेटिंग ऑफ द ड्राइव, ठीक है, एंड करंट इज टू लो। Attempted auto tuning without motor connected to drive, current detection signal error, ठीक है, हमें क्या चेक करना है, चेक इफ मोटर वायरिंग फॉर ए शॉर्ट बिटवीन मोटर लाइन्स, मतलब ये तब भी हो सकता है कि मोटर वायरिंग जो है वो शॉर्ट हो गई है। ठीक है, इफ़ ए मैग्नेटिक कनेक्टर इज यूज बिटवीन मोटर इंश्योर इट इज़ ऑन, अगर हमने मैग्नेटिक कनेक्टर यूज़ किया हुआ है तो हमें ये चेक करना है कि वो ऑन होना चाहिए, और अगर करंट बहुत कम है, मतलब जो VFD की जो कैपेसिटी है उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी कम है और मोटर जो है वो उसको लोड ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तो उस केस में हमें VFD को रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, और हमें एक बारी इसको मोटर को VFD से कनेक्ट करके, ठीक है, ये इस रीज़न में भी हो सकता है कि अटेम्प्ट ऑटो ट्यूनिंग विदाउट मोटर कनेक्टेड टू ड्राइव, ये अगर उस केस में हो रहा है तो हमें क्या करना है, इसको एक बारी मोटर कनेक्ट करनी है, और कनेक्ट करने के बाद, ठीक है, कनेक्ट करने के बाद इसकी ऑटो ट्यूनिंग करनी है। ठीक है, तो ये उससे रिजॉल्व हो सकता है एक बारी। और तीसरा क्या है कि करंट डिटेक्टेड सिग्नल एरर, मतलब वही कि करंट जो VFD की जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से VFD इतना करंट नहीं निकाल सकती। ठीक है, तो एक ये भी रीज़न हो सकता है, अगर ये एरर आ गया तो इस केस में भी रिप्लेस करना पड़ेगा। देखिए, दो केस में रिप्लेस करना पड़ेगा, अगर VFD का के जो करंट आउटपुट करंट है वो कैपेसिटी मैक्सिमम जो है वो अलग है और मोटर की अलग है। ठीक है, मतलब VFD उतना करंट नहीं निकाल सकती आउटपुट करंट, तो तब उस केस में रिप्लेस करना पड़ेगा। ये एरर आ गया कि मतलब सिग्नल एरर वही आ गया करंट का ही, तो तब आपको ये रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप एक बारी जो जो मैंने स्टेप्स बताए हैं आप इन स्टेप्स को फॉलो कर लीजिए, ये एरर आपका रिजोल्व हो सकता है। अगर नहीं रिजोल्व हो पा रहा है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका वह कि VFD का एक एरर कोड है ERR, EPROM राइट एरर। ठीक है, डाटा डज नॉट मैच द EPROM बींग रिटर्न टू। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये है क्या, जो EPROM जो है उसमें कुछ एरर आ गया है। ठीक है, जो डेटा है वो मैच नहीं कर रहा है जो हम उसमें राइट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक तो एंटर का बटन प्रेस कर लें, उसके बाद जो करेक्ट डेटा है, पैरामीटर्स हैं, वो हमें डालना है। ठीक है, साइकिल पावर टू द ड्राइव में, मतलब एक बारी जो VFD है उसकी पावर ऑफ करके पावर ऑन करनी है, तो तब हम इसमें पैरामीटर डाल के देखेंगे, तो आई होप वो तब डल जाएंगे आई थिंक। ठीक है, मैक्सिमम टाइम में यही होता है, और अगर ये कंटिन्यू यही सेम प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो आपको VFD रिपेयर करानी पड़ेगी, या फिर VFD का सॉफ्टवेयर का इशू है उस केस में। तो चलिए ठीक है, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका वह कि VFD का एक एरर कोड है GF, ग्राउंड फॉल्ट। ठीक है, करंट शॉर्टेड टू ग्राउंड एक्सीड 50% ऑफ रेटेड करंट ऑन आउटपुट साइड ऑफ ड्राइव। ठीक है, सेटिंग LA-09 एनेबल्ड ग्राउंड फॉल्ट डिटेक्शन इज इन मोड, ये इसे और इस मॉडल नंबर में हम इसको एनेबल कर सकते हैं।
मोटर इंसुलेशन इज डैमेज, ठीक है। ये हो सकता है कि मोटर का जो इंसुलेशन है वो ख़राब है, वो डैमेज है, ठीक है। चेक द इंसुलेशन रेसिस्टेंस ऑफ द मोटर, मोटर का रेसिस्टेंस हमें चेक करना है एक बारी, और अगर प्रॉब्लम है तो मोटर को रिप्लेस करना पड़ेगा या फिर मतलब रिपेयर कराना पड़ेगा, ठीक है। हमारा जो आउटपुट है VFD का जो कोई सा आउटपुट है मीन्स वो कहीं अर्थ पे कनेक्ट हो गया है, ठीक है, किसी बॉडी पे या कहीं जमीन से अर्थ से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से ये एरर आता है हमेशा। तो हमें क्या करना है, और एक रीज़न और भी हो सकता है कि VFD और मोटर दोनों की अर्थिंग प्रॉपर नहीं है। कई बार क्या होता है, मोटर और VFD की अर्थिंग नहीं होती है, वो हमेशा होनी चाहिए VFD की अर्थिंग और मोटर की प्रॉपर अर्थिंग होनी चाहिए, ठीक है। और अब क्या है तीसरा कॉज, क्या हो सकता है दूसरा कॉज, डैमेज मोटर केबल इज क्रिएटेड शॉर्ट करंट, मतलब ये भी हो सकता है कि जो हमारी केबल है वो डैमेज हो गई है, ठीक है। चेक द मोटर केबल, अगर मोटर केबल में प्रॉब्लम है रिमूव द शॉर्ट सर्किट एंड टर्न द पावर बैक ऑन। अगर आपको कहीं मिला है कि केबल में ब्रेक हुआ है, मतलब केबल में कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो केबल को हमें एक बारी रिपेयर रिमूव कर देना है, हटा देना है, और मोटर की वापस से फिर VFD की पावर ऑन करनी है, ठीक है। चेक द रेसिस्टेंस बिटवीन केबल एंड ग्राउंड टर्मिनल, ठीक है। और हमें क्या करना है, ग्राउंड में और केबल के बीच में रेसिस्टेंस चेक करना है, ठीक है। दूसरा क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि मोटर न्यूट्रल टू अर्थ ग्राउंड, न्यूट्रल टू अर्थिंग जो वोल्टेज है वो लेस देन 5 वोल्ट होना चाहिए हमेशा। तो अगर रेसिस्टेंस इज प्रॉपर देन इट्स ओके, अदरवाइज नीड टू रिप्लेस द केबल, ठीक है। लीकेज करंट एट द ड्राइव आउटपुट इज टू हाई, देखिए VFD पे भी ना, देखिए जो लीकेज करंट है वो हाई हो सकता है, मीन्स VFD का जो अर्थिंग टर्मिनल है वहाँ पे हो सकता है। रिड्यूस द कैरियर फ्रिक्वेंसी, ठीक है, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ हिस्टेरिक कैपेसिटेंस। अब नेक्स्ट कॉज पे चलते हैं, द ड्राइव स्टार्टेड टू रन ड्यूरिंग करंट ऑफसेट फॉल्ट और वाइल कोस्टिंग ए स्टॉप, ठीक है। अब इसका क्या है, द ड्राइव स्टार्टेड टू रन ड्यूरिंग करंट ऑफसेट फॉल्ट और वाइल कोस्टिंग टू ए स्टॉप, ओके। द वैल्यू एक्सेड अलाउड टू सेटिंग रेंज वाइल ड्राइव ऑटोमेटिकली एडजस्ट द करंट ऑफसेट, ठीक है। तो इसमें करंट ऑफसेट को एडजस्ट करने का एक फीचर होता है इस VFD में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इनेबल स्पीड सर्च एट द स्टार्ट B3-01 में 1 कर देना है, परफॉर्म स्पीड सर्च 1 और 2 में H=61 कर देना, 61-62, ठीक है। नॉट स्पीड सर्च 1 और 2 इज सेम यूजिंग OLV and PM कंट्रोल मोड ओनली, ठीक है। अगर आपको, अगर हमने ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स मतलब ये सारे के सारे कोच करके देख लिए हैं और तब भी हमारा जो इशू है वो कंटिन्यू है, मीन्स इशू ख़त्म नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम सेम है और कंटिन्यू है, तो उस केस में क्या है, VFD में ना हार्डवेयर प्रॉब्लम है, ठीक है। देन नीड टू रिप्लेस द ड्राइव और रिपेयर द ड्राइव, उस केस में हमें VFD को या तो रिप्लेस या रिपेयर कराना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि अभी आपकी प्रॉब्लम, अगर आप सारे के सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं, ये प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाएगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये VFD का, इसका हुआ कि VFD का एक एरर कोड है LF2, आउटपुट करंट इम्बैलेंस, ठीक है। वन और मोर फेजेस इन आउटपुट करंट इज लॉस्ट, ठीक है। तो मतलब जो आउटपुट करंट जो जा रहा है तीन फेज में, तीनों UVW जो है, उसमें किसी एक फेज का जो करंट है वो इम्बैलेंस हो रहा है। इम्बैलेंस इन द सेंस कि किसी एक फेज में जो करंट है वो कम जा रहा है, ठीक है। फेज लॉस हैज़ ऑकर्ड द आउटपुट साइड ऑफ द ड्राइव, ठीक है। VFD की ड्राइव के आउटपुट से कोई एक फेज लॉस हो रहा है। चेक द फॉल्टी वायरिंग पावर कनेक्शन एंड आउटपुट साइड, हमें ये देखना है कि VFD टू मोटर जो वायर गई है, पावर केबल जो गई है, वो प्रॉपरली है, उसमें कहीं ब्रेक नहीं है, डैमेज नहीं है, उसमें कोई इशू नहीं है, हमें एक बार ये चेक करना है, ठीक है। और अगर है तो उसको हमें वायरिंग को करेक्ट करना है, केबल को रिप्लेस करना है। टर्मिनल वायर्स ऑन द आउटपुट साइड ऑफ द ड्राइव आर लूज, ठीक है। VFD के जो आउटपुट से जो टर्मिनल्स हैं मे बी UVW के, वहाँ पे कुछ लूज हो सकता है, उसके रीजन से, उसकी वजह से भी ये इशू हो सकता है। नो सिग्नल डिस्प्ले फ्रॉम द गेट ड्राइवर बोर्ड, जो VFD का जो ड्राइवर बोर्ड है मीन्स जो कंट्रोल कार्ड है, वहाँ से कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हमें उस केस में तो देखो रिपेयर ही कराना पड़ेगा, ठीक है।
तो और मोटर इम्पीडेंस और मोटर फेज आर इवन अनइवन, ठीक है। मेजर द लाइन टू लाइन रेसिस्टेंस ऑफ इच मोटर फेज एंड इंश्योर द ऑल वैल्यूज आर सेम। मीन्स हमें जो मोटर है उसको मोटर के जो आउटपुट है सॉरी मोटर जो है हमें उसको एक बार चेक करना है कि ये प्रॉपर है। ऐसा तो नहीं है कि मोटर में कुछ प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी ये इशू ऑकर्ड हो सकता है। अगर मोटर में कोई प्रॉब्लम है तो हम मोटर की प्रॉब्लम को रिजोल्व करेंगे पहले, और आई होप आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, आई होप कि आपकी प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाएगी। इसका वह कि VFD का एक एरर कोड है NSE नोड सेटअप एरर, ए टर्मिनल असाइन टू नोड सेटअप फंक्शन क्लोज ड्यूरिंग रन, ठीक है। द नोड सेटअप टर्मिनल क्लोज ड्यूरिंग रन, चेक वेदर ए रन कमांड वॉज एक्सीडेंटली एंटर्ड वाया टर्मिनल्स और फ्रॉम कम्युनिकेशन ऑप्शन यूनिट, ठीक है। ए रन कमांड वॉज इश्यूड वाइल द नोड सेटअप फंक्शन वॉज एक्टिव, ठीक है। टर्न ऑफ द रन कमांड वेन यूजिंग द नोड सेटअप फंक्शन, ठीक है। नोड सेटअप फंक्शन आपने एक्टिव किया हुआ है और उसी दौरान आपके जो रन कमांड है वो उसका फंक्शन क्रिएट हो गया, मीन्स रन कमांड का सिग्नल चला गया जिसकी वजह से ये एरर आया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो रन कमांड का सिग्नल जा रहा है उसको स्टॉप कर देना और आप वापस से रन करेंगे तो आपका ये VFD का जो प्रॉब्लम है ये रिजोल्व हो जाएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका वह कि VFD का एक फॉल्ट कोड है LF आउटपुट फेज लॉस, मीन्स VFD का जो आउटपुट है वो मोटर तक मोटर के तीनों फेज तक नहीं पहुँच रहा है, ठीक है। UVW में से कोई सा एक फेज जो है वो कहीं लॉस हो गया बीच में, ठीक है। तो फेज लॉस डायरेक्शन इज इनेबल, ये डिटेक्शन इनेबल करना होता है L8-07 में, ठीक है। 1 and 2 इनेबल और डिसेबल के लिए होता है, ठीक है। तो आप हम यहाँ से इसको इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। द आउटपुट केबल इज डिसकनेक्टेड, देखिए होगा क्या कि मैक्सिमम चांसेस में ये होता है कि VFD से जो मोटर पे वायर गई है वो बीच में कहीं ब्रेक हो गई है, ठीक है। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, मोटर की जो वाइंडिंग है उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपको मोटर का रेसिस्टेंस मेजर करा के रेसिस्टेंस चेक करना है कि मोटर प्रॉपर है, मोटर इज़ वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है। अगर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, डैमेज हुआ है, तो आपको रिप्लेस करना है या रिपेयर कराना है, ठीक है। द आउटपुट टर्मिनल इज लूज, VFD का जो आउटपुट है ना उसका टर्मिनल लूज हो गया है, ठीक है। अप्लाइड द इलेक्ट्रिफिकेशन टॉर्क स्पेसिफिक मैनुअल, अच्छा। दूसरा क्या है, मोटर बीइंग यूज्ड इन लेस देन 5% ऑफ द ड्राइव रेटेड करंट, ठीक है। जो VFD का जो मोटर का जो स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, वो प्रॉपर सेट होना चाहिए VFD के अंदर, ठीक है। VFD में जो मोटर के पैरामीटर होते हैं वहाँ पर मोटर के पैरामीटर प्रॉपर होने चाहिए एंड आउटपुट रेसिस्टर इज डैमेज, ठीक है। अगर ऐसा हुआ है, रेसिस्टर डैमेज हो गया, तो VFD को रिपेयर कराना पड़ेगा। ए सिंगल फेज मोटर इज बीइंग यूज्ड, द ड्राइव बीइंग यूज्ड कैन नॉट ऑपरेट ए सिंगल फेज मोटर, ठीक है। तो मतलब ये भी हो सकता है कि सिंगल फेज मोटर यूज़ की जा रही हो, ठीक है। तो उसका रीज़न ये भी हो सकता है। तो चलिए ठीक है, आप इन स्टेप्स को एक बार फॉलो करके देख लीजिए, वायर प्रॉपर चेक कर लीजिए, ठीक है। मोटर को मैगर करा के देख लीजिए और अगर वायर भी पूरा प्रॉपर है, मोटर भी ओके है, ठीक है, तो मे भी हो सकता है उस केस में आपको मोटर को रिपेयर कराना पड़े, ठीक है, और सॉरी VFD को रिपेयर कराना पड़े। तो अगर आप, आई होप कि आपके इसका वो कि VFD का एक एरर कोड है FBH एक्सेसिव PID फीडबैक, ठीक है। तो एक्चुअल में है क्या, जो PID से जो फीडबैक आ रहा है, PID फीडबैक वैल्यू मीन्स जैसे हमारा कोई सेंसर है, ठीक है, और उससे जो फीडबैक की जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो वो उसका एक एरर है ये, ठीक है, एक्सेसिव आ रही है उससे। PID फीडबैक इनपुट इज ग्रेटर देन लेवल सेट टू B5-36, हमने जो B5-36 में वैल्यू सेट की है, PID फीडबैक की जो इनपुट वैल्यू है वो जो सेट किया है वो उससे ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। लॉन्गर देन टाइम, हम इसमें स्पेसिफिक टाइम होता है, ठीक है, उस टाइम से उस टाइम के बीच में, ठीक है। देन सेट B5-12 to B2 and 5 to enable fault detection, ठीक है। अब क्या है,
पैरामीटर आर नॉट सेट प्रॉपरली, इसका रीजन यही है। हमने जो B536 और 37 में जो पैरामीटर डाले हैं, तो वो जो इनपुट पैरामीटर्स हैं वो प्रॉपर नहीं डाले आई थिंक, ठीक है। वार्निंग, वायरिंग ऑफ द PID फीडबैक इज इनकरेक्ट, ठीक है। एक में भी हो सकता है कि वायरिंग जो हमने सेंसर लिया हुआ है उसकी वायरिंग प्रॉपरली ना हो, प्रॉपरली कनेक्टेड ना हो, ठीक है। देर इज़ ए प्रॉब्लम विद द फीडबैक सेंसर, जो हमारा सेंसर है वो भी ख़राब हो सकता है। चेक द सेंसर ऑन कंट्रोल साइड, रिप्लेस सेंसर इफ डैमेज। इसमें रीजन ये भी हो सकता है कि सेंसर जो है वो हमारा ख़राब हो गया, या फिर वायरिंग में प्रॉब्लम है। मैक्सिमम चांसेस में अगर आपकी VFD पहले से सही चल रही थी और फिर ये एरर आया, मतलब आपकी VFD में पहले कभी प्रोग्रामिंग हुई थी और ये VFD कंटिन्यू ठीक ठाक चली है काफ़ी दिन, और अभी अचानक से इशू आ गया, ये वाला एरर आ गया, तो तब आपको उस केस में सेंसर को रिप्लेस करना पड़ेगा। और अगर आप नया कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं और आपको ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, तो डेफिनेटली आप जो पैरामीटर डाल रहे हो ना B536 में एंड 37 में, वो आप पैरामीटर प्रॉपर नहीं डाल रहे हो। आप एक बार उन पैरामीटर्स को चेक कर लो और आई थिंक आपकी प्रॉब्लम उससे रिजोल्व हो जाएगी। तो चलिए ठीक है, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये इसका हुआ कि VFD का एक एरर कोड है, ठीक है, FBL, ठीक, PID फीडबैक लॉस, ठीक है। तो जो PID है एक्चुअल में ये लॉस एरर नहीं होता है, ये एक तरीके से वार्निंग बोल सकते हैं आप। जो PID का जो फीडबैक आ रहा है, मीन्स हमने जो सेंसर कनेक्ट किया है, वो कनेक्ट जो हमने किया है वो बहुत, मतलब मीन्स उससे जो वैल्यू आ रही है वो बहुत कम आ रही है। अगर हमने 4:20 पे सेटिंग किया है, ठीक है, दिस फॉल्ट ऑकर्ड व्हेन PID फीडबैक लॉस डिटेक्शन प्रोग्राम एट द फॉल्ट FB5 इज इक्वल टू 2 एंड PID फीडबैक इज ग्रेटर देन फीडबैक लॉस डिटेक्शन लेवल 5B13 फीडबैक लॉस डिटेक्शन टाइम द डिक्लेरेशन टाइम। मतलब जैसे हमने 4:20 मिली एम्पियर सेट किया हुआ है, ठीक है, तो उस केस में अगर जो एयर रेस्पॉन्स है, मीन्स जो सेंसर का जो करंट आ रहा है, ठीक है, या फिर हमारे PLC से जो करंट आ रहा है, या फिर BMS सिस्टम से जो करंट आ रहा है, वो करंट आ रहा है बहुत कम, लेस देन 1 mA के आसपास का आ रहा है, ठीक है। तो ये उसकी वजह से ये एरर आएगा, ठीक है। या अगर ये VFD आपकी पहले से चल रही थी और अभी ये एरर आया है, ये वार्निंग या ये एरर अब कंटिन्यू आ रहा है, तो इट्स मीन्स जो आपका सेंसर है वो ख़राब हो गया, या फिर बीच में कहीं वायर ब्रेक हो गया, मीन्स या तो उसकी वैल्यू ज़ीरो आ रही है, ठीक है, 4:20 की 4 mA की जगह या तो वैल्यू ज़ीरो आ रही है, या फिर हमारा जो वायर है वो कहीं ब्रेक हो गया है, या फिर मीन्स जो करंट है वो ड्रॉप हो रहा है कहीं, ठीक है। वायरिंग PID भी फीडबैक इज इनकरेक्ट, आप एक बार वायरिंग चेक करनी है। देर इज़ ए प्रॉब्लम विद द फीडबैक सेंसर, और अगर सेंसर हमारा ख़राब हो गया तो उस केस में हमको ये सेंसर ही रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे ही काम करेगा। अगर आपको लगता है कि आपको आई थिंक आपकी प्रॉब्लम रिजोल्व हो गई है, अगर आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसका वह कि VFD का एक एरर कोड है SC IGBT शॉर्ट सर्किट, ठीक है, ऐसी मंथ मीन्स शॉर्ट सर्किट, IGBT में शॉर्ट सर्किट हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें ना कई कुछ कॉज हो सकते हैं। अभी पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये VFD कैसे काम करती है। VFD में एक सेक्शन होता है, मतलब VFD पहले जब हम 415 वोल्ट इनपुट देते हैं, उसके बाद VFD AC को DC में कन्वर्ट करती है, ठीक है, एक इन्वर्टर वो IGBT सेक्शन होता है, ठीक है, तो रेक्टिफायर सेक्शन उसको कन्वर्ट करता है। उसके बाद DC वोल्टेज को IGBT सेक्शन के थ्रू फायरिंग करा के और थ्रू द इन्वर्टर उसको कन्वर्ट किया जाता है AC वोल्टेज में, और वो फिर मोटर पे चली जाती है। तो IGBT का मेन काम होता है फायरिंग कराने का, ठीक है। अब IGBT अगर फॉल्टी हो जाता है तो VFD जो फ्रिक्वेंसी है वो अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशंस आउटपुट नहीं देगी, ठीक है। तो हमें पहले क्या चेक करना है, मोटर की वायरिंग चेक करनी। कई बार ये होता क्या है कि VFD मतलब आउटपुट पे ही प्रॉब्लम है, मोटर एंड की वायरिंग में प्रॉब्लम है, और वो फिर IGBT फॉल्ट तो दिखा देता है, ठीक है। IGBT सर्किट की डिटेक्शन इन द सर्किट, साइकिल पावर एक बार ही पावर ऑफ करके ऑन करके वापस से चला के देखना है, ठीक है।
और अगर दोनों में करके देख लिया आपने, मोटर की वायरिंग भी ठीक है और पावर ऑफ करके ऑन भी कर लिया है, तो उस इट्स मीन्स कि एक्चुअल में VFD का IGBT फॉल्टी हुआ है और इस केस में आपको VFD को रिपेयर ही कराना होगा, ठीक है। तो अगर आपको VFD को रिपेयर कराना है तो आप डायरेक्टली यस्कावा में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यस्कावा के सेल्स ऑफिस पे, और अदरवाइज आपको आसपास लोकल मिल जाएंगे जो लोग रिपेयर करते हैं, ठीक है। काफ़ी सारी लोकल कंपनी है छोटी छोटी जो VFD को रिपेयर करती हैं, ठीक है। और अगर आपकी प्रॉब्लम रिजोल्व हो पा रही है मीन्स रिपेयरिंग के लिए, मैक्सिमम चांसेस में क्या है कि रिपेयर हो जाता है, अगर रिपेयर नहीं हो रहा है तो आप रिप्लेस कर दीजिए, नहीं VFD लगा लीजिए, ठीक है। वैसे ये VFD भी ठीक हो जाता है, इट्स क्लियर टू मी। तो चलिए ठीक है, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। डिस्कवर की VFD का एक एरर कोड है OC, ओवर करंट, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, जो ड्राइव का जो सेंसर है, ड्राइव में एक सेंसर लगा होता है जिसको हम CT करंट ट्रांसफार्मर बोलते हैं, जो VFD को आउटपुट पे जो करंट जा रहा है, ठीक है, मीन्स मोटर हमारी जितना करंट ले रही है उस करंट को डिटेक्ट करके वो देता है कंट्रोल कार्ड, उस सेंसर से करंट ट्रांसफार्मर से डिटेक्ट करता है कि ये क्या एरर मीन्स कितना करंट जा रहा है अभी, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि ये होता कब कब है, क्यों है। जब मोटर की हमने एक स्पेसिफिकेशन सेट कर दी है VFD में कि भाई इतना इस रेटेड के हिसाब से इसका इतना करंट है, ठीक है, और अगर मोटर ज़्यादा करंट ले जा रही है, ठीक है, तो ये तब होता है। अब मैं बता रहा हूँ ये किस किस केस में होता है, ठीक है। द मोटर हैज़ बीन डैमेज ड्यू टू ओवरहीटिंग, मोटर इंसुलेशन इज डैमेज, मतलब ये क्या होगा कि मोटर पे ना मतलब बहुत ज़्यादा कंटिन्यू मोटर चली है, ठीक है, तो मोटर या और फिर मोटर गर्म हो गई है, तो उस केस में होता क्या है कि मोटर ज़्यादा करंट कंज्यूम करने लगती है, ज़्यादा करंट लेने लगती है, तो उस केस में हमें मोटर का जो रेसिस्टेंस है, इंसुलेशन है, वो चेक कराना है और उसको रिपेयर कराना है, ठीक है। वन ऑफ मोटर केबल हैज शॉर्ट आउट एंड देयर इज ए ग्राउंडिंग प्रॉब्लम, देखिए दूसरा रीजन क्या होता है, जो मोटर की जो केबल है, ठीक है, जो VFD से मोटर तक केबल गई है, या तो वो शॉर्ट हो गई है, ठीक है, बीच में कहीं अगर शॉर्ट हो गई है तो आपको वो केबल रिप्लेस कर देनी है या फिर उसको केबल को ठीक करना है, ठीक है। दूसरा रीजन क्या होता है कि कई बार जो अर्थिंग है, ठीक है, वो कनेक्ट हो जाता है, टच हो जाता है ग्राउंड से, ठीक है, तो उस केस में भी कई बार ये एरर आ जाता है, ज़्यादा करंट कंज्यूम होने लगता है, ठीक है। तीसरा क्या है, मोटर की जो केबल है और ग्राउंड का जो टर्मिनल है, ठीक है, तो उस केस में क्या है, हमें केबल को रिप्लेस करना है। तीसरा रीज़न क्या होता है, द लोड इज़ टू हैवी, ठीक है, जो मोटर है, मोटर पे जो लोड है वो बहुत ज़्यादा लोड है, ठीक है, ये भी रीज़न इसका होता है। हैवी लोड कैसे, कई बार क्या होता है कि कई सारे लोग कहते हैं कि मतलब मोटर पहले से तो ठीक ठाक चल रही थी, ठीक है, तब भी इतना ही लोड था, अभी भी इतना ही लोड है, ठीक है, तो लेकिन अब ये एरर आ गया है, ये एरर क्यों आ रहा है, ठीक है, तो ये एक्चुअल में मैं बताता हूँ क्यों आता है। जो मोटर है हमारी, जो मशीनरी है, उसके जो बियरिंग सिस्टम, जो रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं, वो कई बार स्टक हो जाते हैं, ठीक है, तो तब वो जाम चलने लगता है और मोटर को उस सेम उस इक्विपमेंट को रोटेट कराने के लिए ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है, ज़्यादा टॉर्क लोड जाता है मोटर पे, जिसकी वजह से ये एरर आ जाता है, ठीक है। तो मेजर करंट फ्लोइंग इनटू मोटर, मोटर के अंदर मतलब मोटर अच्छा, रिप्लेस द ड्राइव विद अ लार्जर कैपेसिटी इफ करंट वैल्यू एक्सीड रेटेड करंट ऑफ द ड्राइव, अच्छा तो कई बार क्या होता है, अगर हम वही मोटर यूज़ करेंगे, मतलब हमारे पास कंडीशन ये है कि हम मोटर रिप्लेस नहीं कर सकते हैं और ड्राइव हमें जो भी करना है ड्राइव एंड पे करना है, ठीक है, तो हमें क्या करना है उस केस में, ड्राइव को एक बारी मतलब रिप्लेस करके एक हायर वर्जन में लेके हमें चेक करना है कि भाई इसका इसको हम जैसे चेंज कर लेंगे, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हमारा रिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या है, जो मोटर का जो लोड है उसको मतलब रिड्यूस कर देना है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि अचानक से मोटर पे लोड आ जाता है, मोटर पे इन द सेंस जो कपलिंग लगा है आगे, जिस चीज़ को हम रोटेट करा रहे हैं,
ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है कि कन्वेयर सिस्टम हमने लगा रखा है, कन्वेयर पे मोटर लगा रखी है और कन्वेयर हमारी चल रही है, ठीक है, तो अचानक से उस पर एक लोड आ गया तो वो जाम होगी और हमारी जो मोटर है वहीं पर ओवर करंट का एरर देगी और रुक जाएगी, ठीक है। तीसरा, कई बार क्या होता है हमने जो एक्सीलरेशन टाइम है, ठीक है, वो हमने बहुत कम डाल रखा है। कई बार होता है कि बहुत कम एक्सीलरेशन टाइम डाल देते हैं हम लोग कि जैसे एक सेकंड, लेस देन वन सेकंड, और उस पर लोड काफ़ी हैवी है, ठीक है, तो उस केस में क्या है, हमें वो एकदम से उसको एक्सेलरेट करने की कोशिश करती है बट लोड हैवी है मोटर पे, तो उसकी वजह से वो रोटेट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो हमें एक बारी एक्सेलरेशन टाइम जो है C1-01 में, 03 में, 05-07 में हमें इसको इंक्रीज़ कर देना, एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन दोनों, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, एक बारी तो आता है स्टार्टिंग की करंट में ओवर करंट, ठीक है, कई बार आता है स्टॉप कंडीशन में, मतलब मोटर ठीक ठाक चली, ठीक है, चलती रही कंटिन्यू, जैसे हम इसको बंद करेंगे मोटर को तब एकदम से एरर आ जाएगा, ठीक है, जब हम VFD को मोटर को स्टॉप करते हैं, तो वो एरर तब आता है कि जब हम एक्सेलरेशन टाइम, मतलब मोटर पे लोड काफ़ी है और हमने एक्सेलरेशन टाइम बहुत कम कर दिया है, ठीक है, तब ये आता है, इसके चांसेस होते हैं। द ड्राइवर इज अटेम्प्टिंग टू ऑपरेट ए स्पेशलाइज्ड मोटर और ए हायर लार्जर देन मैक्सिमम साइज अलाउड, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम मोटर की जो, मतलब VFD जो की जो रेटेड कैपेसिटी है ना, जितना वो करंट निकाल सकती है, उससे ज़्यादा बड़ी मोटर हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो तब भी ये इशू आ जाता है। मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑन आउटपुट साइड ऑफ द ड्राइव हैज़ टर्न ऑन और ऑफ, ठीक है, सेट अप द ऑपरेशन सीक्वेंस सो दैट एम्स इज नॉट ट्रिप्ड व्हाइल ड्राइव इज आउटपुटिंग द करंट, ओके। VYF सेटिंग इज नॉट ऑपरेटिंग एज एक्सपेक्टेड, ठीक है, देखिए इसमें दो मोड होते हैं, VVC+ एंड UYF, ठीक है, तो हमें अगर हमारा VVC+ है तो हम VYF में चेंज करके देख लेंगे, और VYF है तो VCC+ में चेंज करके देख लेंगे, ठीक है। पैरामीटर E1-01 एंड E1-10, E3-4, E3-10, ठीक है, इसमें एक्सेसिव टॉर्क कंजप्शन, ठीक है, चेक द अमाउंट ऑफ टॉर्क कंपनसेशन, रिड्यूस द टॉर्क कंपनसेशन गेन वाइल देर इज नो स्पीड लॉस एंड नो एंड लेस करंट, ओके। डिफॉल्ट टू ऑपरेट प्रॉपरली ड्यू टू नॉइस, ठीक है, कई बार क्या होता है जो हमारा कंट्रोल सर्किट है VFD का, ठीक है, वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। VFD में दो कार्ड होते हैं, एक कंट्रोल कार्ड होता है और एक होता है पावर कार्ड, ठीक है, तो जो कंट्रोल कार्ड होता है वो डेटा लेके वो सारी कैलकुलेशंस करता है, और पावर कार्ड का काम होता है जैसे 415 वोल्ट आई उसको DC में कन्वर्ट किया, DC को वापस से फिर AC में कन्वर्ट करना, फायरिंग करना, ये सारे काम जो होते हैं ये सब पावर कार्ड के काम होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कोर्स हैं, अगर इनमें से कोई सा रीज़न नहीं है और फिर भी ये एरर आ रहा है, ओवर करंट का एरर आ रहा है, मतलब जैसे ही आपने VFD की पावर ऑन की और ओवर करंट का एरर आ गया, ठीक है, तो उस केस में आप जो VFD की जो CT है, करंट ट्रांसफॉर्मर है, वो ख़राब है, ठीक है, उस केस में हमें उसको रिपेयर करने की ज़रूरत है, उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर। जिसका वो कि VFD का एक एरर कोड है OFA00 ऑप्शन कार्ड कम्युनिकेशन एरर एट ऑप्शन पोर्ट CN5, ठीक है, तो ये एक्चुअल में ये एरर क्या होता है कि जो हमारा, हमने जो ऑप्शन कार्ड लगाया है ना, ठीक है, वो कंपर्टेबल नहीं है ड्राइव के साथ, ठीक है, द ऑप्शन कार्ड इज नॉट इनकम्पर्टेबल विद द ड्राइव, यूज कंपर्टेबल कार्ड, ऑप्शन कार्ड, ठीक है, तो जो कार्ड है ना हमने वो गलत कार्ड लगा दिया है, ठीक है, इसी केस में ये एरर आता है, ठीक, तो उस केस में क्या है, हमें कार्ड को ना, जो एक्चुअल में ड्राइव के साथ कार्ड लगेगा, वो आप कार्ड परचेज करके वो वाला कार्ड लगाइए, ये उसको ही रीड कर पाएगा और वही इस पर काम करेगा। दूसरा एक एरर है इसमें OFA01, ये एरर है ऑप्शन कार्ड फॉल्ट का, ठीक है, तो इसमें क्या है, ऑप्शन कार्ड ना रिप्लेस करना पड़ेगा इस केस में, ठीक है, ऑप्शन कार्ड इज़ नॉट कनेक्टेड प्रॉपरली टू द ड्राइव। दूसरा रीज़न ये है कि वो कनेक्ट ही नहीं हो पाया प्रॉपर, देखिए या तो फॉल्टी है या फिर प्रॉपर कनेक्ट नहीं है, अगर वह प्रॉपर कनेक्टेड है, ठीक है, तो उसका मतलब कार्ड फॉल्टी है, रिप्लेस करना पड़ेगा, और अगर प्रॉपर कनेक्टेड नहीं है तो VFD की पावर एक बार ऑफ करके आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यस्कावा की VFD का एरर कोड है OFA04 ऑप्शन कार्ड 4, ठीक है। तो एक्चुअल में है क्या, जो एनालॉग कार्ड अटेम्प्टिंग टू राइट टू ऑप्शन कार्ड मेमोरी, ठीक है, तो जो ऑप्शन कार्ड है वो हमारा फॉल्टी हो गया है, ठीक है। तो उस केस में क्या है कि हमारा जो कार्ड है उसको रिप्लेस कराना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा एरर है इसमें OFA302 OFA43 तक, ठीक है, ऑप्शन कार्ड फॉल्ट कम्युनिकेशन ID एरर, ठीक है। तो इस केस में ना हार्डवेयर का इशू है, और अगर हार्डवेयर का कोई भी इशू आता है तो उसको हमें हमेशा रिपेयर कराना पड़ता है, ठीक है। तो आपको ये रिपेयर कराना पड़ेगा। आई होप कि आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉर्ट आउट होगा। आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यस्कावा की VFD का एक एरर कोड है OH हीट सिंक ओवरहीट, ठीक है। एक्चुअल में इसमें होता क्या है कि हमारी जो VFD होती है ना उसमें एक हीट सिंक लगा होता है। जो VFD का कंट्रोल कार्ड और पावर कार्ड होता है, जो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होता है, वो एक हीट जनरेट करता है, ठीक है। तो उनसे जो हीट जनरेट होती है तो उसके लिए एक हीट सिंक लगा होता है जो उस गर्मी को अब्सॉर्व करके, उस हीट को अब्सॉर्व करके और उसको एग्जॉस्ट करता रहता है, और VFD का जो कार्ड का जो कंट्रोल सेक्शन है उसका टेम्परेचर मेंटेन होके रहता है, ठीक है। तो अभी इस केस में हुआ क्या है कि और उस हीट सिंक पे एक टेम्परेचर सेंसर लगा होता है, मतलब इन केस की ऐसा हो गया कि वो हीट सिंक भी बहुत ज़्यादा हीट हो गया है। वो कार्ड की हीट रिड्यूस कर रहा था बट वो खुद ही बहुत ज़्यादा हीट हो गया। तो उस केस में क्या होता है, वो एक एरर जनरेट करता है, वो कंट्रोल कार्ड को एक वैल्यू देता है कि इसका टेम्परेचर इतना हो गया, और कंट्रोल कार्ड से एक एरर जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो टेम्परेचर ऑफ द हीट सिंक एक्सीड द वैल्यू सेट टू L802 डिफॉल्ट वैल्यू L802 इज डिटरमाइंड ड्राइव बाय कैपेसिटी O02-04, ठीक है। देखिए हम क्या करते हैं, इसमें जो L802 है ना उसमें एक डिफॉल्ट वैल्यू पड़ी होती है, ठीक है, तो जो एक टेम्परेचर सेंसर के लिए। अब वो वैल्यू ना वो एक्सीड हो गया, मतलब टेम्परेचर उससे भी ज़्यादा गर्म हो गया। अब इसके कई सारे रीजन्स हो सकते हैं, अब हम बात करते हैं। तो एक तो इसमें एक फ़ैन लगा होता है, जो इसके फैन चलता रहता है और वो अंदर की हीटिंग को कंट्रोल करके रखता है, हीटिंग को एग्जॉस्ट करता रहता है। दूसरा क्या होता है, कई बार फैन तो चल रहा होता है, मतलब अगर वो फैन ख़राब हो गया तो आपको फैन देख लेना कि फ़ैन ख़राब हो गया तो उसको रिप्लेस कर देना। और अगर आपका ये है कि आपने देख लिया आपका फ़ैन भी चल रहा है लेकिन फिर भी एरर आ रहा है, तो VFD की ना लोकेशन का भी इशू हो सकता है। कई बार गर्मी में खड़ लगी होती है, VFD की लोकेशन ऐसी लगा दी जाती है जहाँ पे मतलब कब पहले से ही गर्मी जनरेट हो रही है, मतलब हीट जनरेट हो रही है, ठीक है। तो वहाँ से उस एनवायरनमेंट को थोड़ा रिप्लेस करने की कोशिश करनी है। कई बार क्या होता है, जो VFD इलेक्ट्रिकल पैनल के अंदर लगी होती है, जो एम्बियंट जो पैनल होता है, लेकिन पैनल पूरा प्रॉपर बंद है, कहीं से एग्जॉस्ट होने का सिस्टम ही नहीं है। मतलब VFD का फैन तो चल रहा है लेकिन उसके में ना एयर कोई भी एग्जॉस्ट नहीं हो रही है, मतलब फ्रेश एयर आ ही नहीं रही है, तो वो अंदर ही अंदर वो एयर गर्म होती रहती है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी कई बार हो जाता है। तो तीसरा रीज़न क्या है, एम्बियंट हो गया हमारा, ठीक है। दूसरा जो उसके आसपास का जो एरिया है ना, तो वो एरिया कुछ ऐसा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, ये रीज़न हो सकते हैं। अगर ये रीज़न नहीं है तो कई बार क्या होता है कि उसमें ना अंदर डस्ट चला जाता है काफ़ी सारा, और वो डस्ट ना कार्ड्स पे चिपक जाता है, कार्ड्स पे लग जाता है, और जिसकी वजह से जो हमारा कंट्रोल, जो हमारा फ़ैन है, फ़ैन जब उसको एयर देता है तो वो एयर की वजह से कार्ड तक हीट, मतलब जो कूल ठंडी है हवा है वो पहुँच ही नहीं पाती है उस डस्ट की वजह से। तो हमें क्या करना है, एक बार एक ब्लोअर लेके और उसको VFD को ना काफ़ी एयर से, ब्लोअर से उसको क्लीन करना है अंदर से, ठीक है। फ़ैन की साइड से आप ब्लोअर चला दीजिए या दूसरी साइड से, तो जो उसके अंदर का जो डस्ट है ना वो निकल के आ जाएगा एक बारी बाहर। और अगर ये भी इशू नहीं है और आपका वो फ़ैन ख़राब हो गया और आप रिप्लेस भी नहीं करा सकते, तो बाहर से कोई एक फ़ैन लगा दीजिए जिसकी वजह से वहाँ पे मतलब VFD पे कूलिंग मिलती रहेगी। कोई एक एक्सटर्नल फ़ैन लगा दीजिए जिससे VFD पे कूलिंग लगती रही चलती मिलती रहेगी और VFD आपकी रनिंग होती रहेगी, ठीक है। एक इसका रीज़न हो सकता है, लोड इज़ टू हैवी, ठीक है। तो कई बार क्या है, जो लोड है हमारा
ठीक है, मतलब मोटर ना VFD 100% फ्रीक्वेंसी पे चल रही है और कंटिन्यू चल रही है और लोड जो है कई बार ज़्यादा जा रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी ये रीजन हो जाता है, ठीक है, VFD ओवरहीट का एरर दे देती है। तो उस केस में आपको ये देखना है कि फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम करके देख लीजिए, मतलब मोटर पे थोड़ा लोड कम करके देख लीजिए, ये हो सकता है, ठीक है। तो और अगर इंटरनल कूलिंग फैन स्टॉप्ड, ठीक है, वही है कि मतलब अगर कूलिंग फैन स्टॉप हो गया है तो भी, तो मैंने बताया आपको, ठीक। तो ये कई सारे रीज़न हैं। आई होप कि अगर आप ये सारे के सारे स्टेप फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर कि आपकी ये प्रॉब्लम 100% रिजोल्व हो जाएगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यस्कावा की VFD का एक एरर कोड है OH1, ओवरहीट 1, हीट सिंक ओवरहीट। द टेम्परेचर ऑफ हीट सिंक हैज़ अचीव्ड 10 डिग्री प्लस डिफॉल्ट वैल्यू L8-02, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है, जो VFD होती है हमारी, उसमें एक हीट सिंक लगा होता है, और हीट सिंक क्या करता है, जो हमारे कंट्रोल कार्ड से हीट जनरेट होती है ना, उसको ऑब्जर्व करता है और उसको एग्जॉस्ट करता है, मतलब उससे कंट्रोल कार्ड की वर्किंग पे कोई इफेक्ट नहीं आने देता। हीट सिंक में एक टेम्परेचर सेंसर लगा होता है जो VFD का कंट्रोलर होता है उसको सिग्नल भेजता है कि अभी इसका टेम्परेचर कितना है VFD का। तो अभी क्या है, वो 10 डिग्री ज़्यादा हो गया है जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट की होती है, एंड आई थिंक डिफ़ॉल्ट वैल्यू 60 या 70 डिग्री का होता है, 60 डिग्री आई थिंक, या 50, आई एम नॉट श्योर, ठीक है, वो इट्स डिपेंड्स ऑन VFD मेक, अलग अलग होता है सबका, ठीक है। तो इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं कि तो हमारी जो VFD है ना, वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में लगी है जहाँ पे हीट ज़्यादा जनरेट हो रही है। दूसरा क्या है, VFD का जो एम्बियंट कैबिनेट होता है, मतलब जिस बॉक्स के अंदर लगी है, उसमें कोई एग्जॉस्ट फैन वगैरह नहीं है, उसकी वजह से भी ये हो सकता है कि अगर फैन जो चलता है वो उसी हॉट एयर को ही सर्कुलेट करता रहता है, और वो जो गर्म हवा है ना, वो धीरे धीरे इतनी गर्म हो जाती है कि वो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। तीसरा रीज़न इसमें क्या हो सकता है, एक फ़ैन लगा होता है जो फ़ैन VFD को अंदर एम्बियंट को कूलिंग करता है, मतलब एक ठंडी फ्रेश एयर देता है, ठंडी हवा, और दूसरी साइड से वो निकल जाती है, तो टेम्परेचर मेंटेन रहता है, तो वो जो फ़ैन है ना वो ख़राब हो गया, ठीक है, ये रीज़न हो सकता है, ठीक। और मैक्सिमम चांसेस यही हैं, ठीक है। और एक बारी क्या हो सकता है कि लोड जो है ना बहुत ज़्यादा है, मतलब मोटर पे काफ़ी लोड है, ठीक है, और वो कंटिन्यूसली 24/7 चल रही है, ठीक है, तो ये रीज़न हो सकता है, ठीक है। और जो कंट्रोल करंट फॉलोइंग टू करंट सर्किट टर्मिनल V+XE टॉलरेंस लेवल, ठीक है, चेक करंट लेवल ऑफ द टर्मिनल एंड सेट द करंट टू कंट्रोल टर्मिनल टू बी 20 mA और लेस। एक बारी कई बारी क्या होता है, जो हमारा जो कंट्रोल सर्किट है, ठीक है, उस पर ना 24 वोल्ट से ज़्यादा प्लस मतलब एक्सीड हो जा रहा है, ठीक है। तो चलिए, तो ये कई सारे रीज़न होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि सॉल्यूशन क्या है। आप इन चीज़ों को देख लीजिए कि अगर एम्बियंट है तो वहाँ पे कुछ फ़ैन लगा दीजिए, ठीक है, और अगर कहीं ऐसी जगह पे VFD लगी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब टेम्परेचर अपने आप ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है एनवायरनमेंट से, तो आप उस VFD की लोकेशन रिप्लेस कर लीजिए। 3-4 काम कर सकते हैं। और आपने एक बार VFD को ब्लोअर से पूरा क्लीन कर दीजिए, अंदर से ब्लोअर चला के पूरा क्लीन, प्रॉपर आप क्लीन कर लेंगे, तो उससे होता क्या है, जब अंदर की क्लीनिंग हो जाती है तो VFD का जो फ़ैन होता है, फ़ैन से जो फ्रेश एयर होती है वो प्रॉपर वर्क करना शुरू कर देती है, वो डायरेक्ट कार्ड से टच होती है और हीट सिंक से टच होती है, ठीक है। तो आप एक VFD से, एक तो ब्लोअर से क्लीन कर दिए, दूसरा कोई अलग से एक्सटर्नल फ़ैन लगा के आप वहाँ पे टेम्परेचर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, या तो फ़ैन रिप्लेस होगा अगर फ़ैन फॉल्टी है तो, या फिर एक एक्सटर्नल फ़ैन लगा दीजिए जो VFD पे हवा जा रही हो, जिससे एयर जा रही हो, तो देन इट शुड बी रिप्लेस्ड एंड प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, होप सो। तो चलिए ठीक है, आई थिंक नाउ अभी आपको समझ आ गया होगा। यस्कावा की VFD का एक एरर कोड है OH3, मोटर ओवर हीट अलार्म PTC इनपुट। एक्चुअल में PTC इनपुट क्या होता है, टेम्परेचर सेंसर होता है ये एक, ठीक है, उससे एक इनपुट मिलता है कि मोटर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। मोटर ओवरहीट सिग्नल टू एनालॉग इनपुट टर्मिनल AI1 और AI2 एक्चुअल अलार्म डिटेक्शन लेवल। डिटेक्शन रिक्वेस्ट मल्टीफंक्शन एनालॉग इनपुट HE-02 HE-03-10 टू बी सेट टू ई। एक्चुअल में है क्या, हमने ना PTC यूज़ किया हुआ है,
जो मोटर पे एक सेंसर लगा होता है जो एनालॉग इनपुट A1 या A2 में लगा होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि मोटर है ना, कई बार मतलब इसके रीज़न कई सारे हो सकते हैं, या तो मोटर एक ऐसे एनवायरनमेंट में लगी हुई है, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्बियंट टेम्परेचर ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ मतलब वो अलग से कोई हीट जनरेट हो रही है जो डायरेक्टली मोटर पे जाके लग रही है, एक रीज़न तो ये हो सकता है। दूसरा क्या है, एक्सीलेशन डीएक्सीलेशन टाइम जो है वो हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, जो लोड है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो एक्सीलेशन डीएक्सीलेशन टाइम बढ़ाना है एक तो हमें C1-012 C1-08 पे, ठीक है, एक्सीलेशन मतलब कितने सेकंड में हमने किया हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या है, हमको जो मोटर पे लोड है, कई बार क्या होता है मोटर फुल लोड में है और कंटिन्यू रन कर रही है, तो तब उस केस में भी मोटर काफ़ी गर्म हो जाती है, ठीक है, और 24/7 हैवी ड्यूटी पे लगी हुई है, ठीक है। एडजस्ट प्रीसेट VIF पैटर्न, ठीक है, दे विल मेनली इन्वॉल्व रिड्यूसिंग E1-10, बी केयरफुल नॉट टू लोअर E1-10 एक्सटेंसिवली, रिड्यूस द लोड टॉलरेंस अलाउ स्पीड। अच्छा, चेक मोटर रेट करंट, जो मोटर का रेटेड करंट है, कई बार क्या होता है मोटर जो है रेटेड करंट से ज़्यादा करंट ले रही है, ठीक है। एंटर मोटर करंट डेटा इंक्लूड्स द मोटर नेम प्लेट, हाँ कई बार ये होता है कि हमने ना मोटर का जो नेम प्लेट पे जो डेटा है वो गलत फीड कर दिया VFD में ऑटो ड्यूरिंग द ऑटो ट्यूनिंग, या फिर हमने गलत फीड कर दिया, तो उस केस में क्या होता है, तो उस केस में भी VFD और मोटर के पैरामीटर सेम मैच नहीं कर पा रहे हैं, तो मोटर ना ज़्यादा लोड लेने लगती है, ठीक है। इंश्योर द मोटर कूलिंग सिस्टम इज़ ऑपरेटिंग प्रॉपरली, मोटर पे जो एक एग्जॉस्ट फैन लगा होता है एक छोटा सा साइड बाहर की तरफ, वो लगा है और वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये कई सारे रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। और अगर ये भी कोई मतलब ये भी नहीं है तो आपको एक बुरी मोटर को चेक कराना पड़ेगा, मे बी हो सकता है PTC का कुछ इशू हो, ठीक, तो आपको ये चेक करना है। और आई थिंक सारी के सारी चीज़ें स्टेप बाई स्टेप मैंने बता दी, आप इन सबको चेक कर लीजिए। और लास्ट में क्या है, कोई एग्जॉस्ट मतलब कि एक्सटर्नल फैन जो है वो आप ऐसी जगह पे लगा दीजिए जिससे मोटर पे डायरेक्ट हवा जाती रहे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, मोटर पे जैसे ही डायरेक्ट हवा जाएगी उससे आपकी जो ये प्रॉब्लम है ये रिजोल्व हो जाएगी, ठीक है, होप सो, क्योंकि मोटर ठंडा रहने लगेगा तो ये एरर आएगा ही नहीं, क्रिएट ही नहीं होगा। चलिए ठीक है, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब। जिसका वह कि VFD का एक एरर है OH4 मोटर ओवरहीट फॉल्ट, ठीक है, PTC इनपुट। PTC क्या है, एक सेंसर होता है, ठीक है, जो टेम्परेचर सेंसर होता है वो उससे इनपुट मिला है जो एक एनालॉग कोई भी A1 या A2 के टर्मिनल पे है जो हमने रीड किया हुआ है, और उससे ये इनपुट मिल रहा है कि मोटर जो है वो ओवरहीट हो गया है, ठीक है। तो इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। तो रीज़न क्या क्या हो सकते हैं कि जो लोड जो है ना मतलब उसका जो एक्सीलेशन और डीएक्सीलेशन है वो चेंज कर देना एक बारी, ठीक है, क्योंकि कई बारी क्या होता है एकदम बहुत झटके से जब मोटर चलती है तो वो ना वो हीट हो जाती है, ठीक है, और जब एकदम झटके से रुकती है तब भी कुछ हीटिंग जनरेट होती है। कई बार क्या होता है कि मोटर में ना बहुत सारा लोड है और वो कंटिन्यू 24/7 चल रही है, मोटर कंटिन्यू चल रही है, ठीक है। तो एक्सीलेशन और डीएक्सीलेशन टाइम बढ़ा देना है हमें, और जो लोड है वो कम कर देना है, ठीक है। तीसरा क्या है, जो मोटर और VFD का जो रेटेड करंट है, देखिए मोटर का जो रेटेड करंट है वो VFD में प्रॉपर होना चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम डेटा होना चाहिए, ठीक है। तो वो डेटा डिफरेंट हो सकता है, वो डेटा चेंज हो सकता है, इसका एक रीज़न ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि हमारा जो मोटर पे जो कूलिंग फैन लगा होता है, कूलिंग फैन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। कई बार ये होता है कि जो कूलिंग फैन है वो प्रॉपर काम ही नहीं कर रहा है, उसकी वजह से भी ये एक एरर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले जो कूलिंग फैन लगा होता है ना मोटर पे, उस कूलिंग फैन को चेक करना है, उसका जो हीटिंग सेक्शन होता है, ठीक है, जो एक तरीके से हीट सिंक होते हैं लगे हुए, हीट सिंक चेक करना है कि हीट सिंक प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें होगी, ठीक है। तीसरा, अगर आपको मतलब ये सारी की सारी चीज़ें चेक कर लिया आपने, कोई इशू नहीं है, ठीक है, तो एक और रीज़न हो सकती है कि मोटर जो है ना हमारी वो एक ऐसी जगह पर लगी हुई है जहाँ ऑलरेडी एक टेम्परेचर जो है वो क्रिएट हो रखा है, ठीक है, मतलब एक एम्बियंट वहाँ पे ऐसा है जिसकी वजह से काफ़ी गर्मी रहती है, मतलब अलग से ही कोई हीट जनरेट हो रही है,
ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन यही है, जो ये प्रॉब्लम्स है आप एक बारी इसको रिजोल्व करके देख लो, जो भी मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया। हमें क्या करना है कि कोई एक अलग से फ़ैन लगा के और वो मोटर पे लगा देंगे, मोटर की तरफ को करके, तो मोटर पे हवा जाती रहेगी और उसकी वजह से ये इशू कम आएगा, कम चांसेस होंगे। चलिए, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसका हुआ कि VFD का एक एरर कोड है OL1 मोटर ओवरलोड, ठीक है, ये एरर किसी भी VFD में आ सकता है, ठीक है। देखिए, वीडियो को पूरा देखना, स्टेप बाय स्टेप देखना है, ठीक है। मैं आपको इस वीडियो को ऐसे समझाऊंगा कि आज के बाद अगर VFD में ये वाला एरर आता है तो किसी भी मेक की VFD हो आप उसको रिजोल्व कर लोगे, ठीक है। तो चलिए, OL1 का मतलब है मोटर ओवरलोडेड, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेंसर ट्रिप्ड ओवरलोडेड प्रोटेक्शन, VFD में अंदर क्या होता है, एक ओवरलोड रिले लगी होती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेंसर बोलते हैं वैसे इसको, ठीक है। तो जो नॉर्मली क्या है, ये ओवरलोड रिले होती है, वो ट्रिप हो गई है, ठीक है, या उस ओवरलोड रिले, ओवरलोड जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेंसर है उसने VFD के कंट्रोल कार्ड को एक सिग्नल दिया है कि VFD में जो लोड है ना वो अभी ज़्यादा है, ठीक है। अब इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले रीज़न पर हम लोग बात करेंगे, साइकिल टाइम इज टू शॉर्ट ड्यूरिंग एक्सीलेशन एंड डीएक्सीलेशन। देखिए, इसका सबसे पहला रीज़न क्या होता है, जो हमने VFD में एक एक्सीलेशन डीएक्सीलेशन टाइम होता है, मतलब मोटर रन कमांड जाने के बाद कितने सेकंड में पूरी स्पीड तक चली जाएगी, ठीक है। तो ये तो होता है एक्सीलेशन टाइम, और डीएक्सीलेशन टाइम होता है कि मोटर जो है जब हमने स्टॉप की कमांड दे दी, मतलब VFD को स्टॉप का सिग्नल चला गया, उसके कितने सेकंड के बाद VFD स्टॉप हो जाएगी। तो C101 एंड C108, ठीक है, C1-08 में हमें ये चेक कर लेना है, और अगर कम है तो हमें इसको बढ़ा देना है, ठीक है। ड्राइव ओवरलोड लो स्पीड एट लो स्पीड, देखिए क्या है, VFD की जो स्पीड है, मतलब मोटर की जो स्पीड है वो तो कम है, ठीक है, बट लोड ज़्यादा है वहाँ पे, तो ये एरर ओवरलोड तब आ सकता है, ठीक है। ओवरलोड में रिक्वायर्ड एट लो स्पीड व्हेन यूजिंग जनरल पर्पस मोटर व्हेन इफ ऑपरेटिंग विद इन रिलेटेड रेटेड करंट लिमिटेशंस, ठीक है। तो क्या करना है हमें VFD का, या तो स्पीड बढ़ा देनी है या फिर जो लोड है वो कम कर देना है। ए ड्राइवर हैज़ सपोज्ड ऑपरेटेड एट लो स्पीड, आइदर इंक्रीज द मोटर कैपेसिटी और यूज मोटर स्पेसिफिकली डिजाइन टू ऑपरेट विद द ड्राइव, ठीक है। देखिए, कई बार क्या है, हो सकता है कि मोटर जो है ना वहाँ पे जिस एप्लीकेशन पे चल रही है मोटर छोटी हो सकती है, ठीक है। तो हमें एक बार ये भी चेक करना है कि अगर हमारी मोटर छोटी तो नहीं है, अगर मोटर हमारी छोटी है तो हमें मोटर रिप्लेस करके देखनी है कि एक हायर रेटिंग से, ठीक है। तो वोल्टेज इज टू हाई फॉर V/F कैरेक्टरिस्टिक, तो एक बारी ये भी देखने के जो वोल्टेज है ना वो बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है, ठीक है। तो हमें उसको भी चेक करने के इनपुट पे जो वोल्टेज है वो पूरा प्रॉपर आ रहा है, ज़्यादा हाई तो नहीं आ रहा है, ठीक है, ये तब भी हो सकता है। द रॉन्ग मोटर रेटेड करंट सेट एट द E2-01 में, ठीक है। तो जो मोटर का, इसमें एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो मोटर का जो डेटा है, ठीक है, वो मतलब गलत तो नहीं डाल दिया है, ठीक है, गलत डेटा भी हो सकता है, ठीक है। द मोटर बेस फ्रीक्वेंसी फॉर द ड्राइव इनपुट पावर इज टू लो, मतलब मोटर की जो बेस फ्रीक्वेंसी होती है ना E1-06 में, इसमें बहुत कम डाल दी है, ठीक है, बहुत कम बेस फ्रीक्वेंसी डाल रखी है, ठीक है। मल्टीपल मोटर आर रनिंग ऑफ द सेम ड्राइव, ठीक है, एक सेम ड्राइव पे मल्टीपल मोटर रन कर रही हैं, सेट EL-01-20 डिसेबल मोटर प्रोटेक्शन फंक्शन एंड इंस्टॉल थर्मल रिले टू ईच मोटर। देखिए, जब हमने अगर हमने मल्टीपल मोटर्स रन कर रखी हैं सेम ड्राइव पे, तो उसमें क्या है कि मल्टीपल कई सारी की मोटर जो है वो रन कर रही है, ठीक है, और जो नहीं कर रही है उसको डिसेबल कर देंगे हम, ठीक है। द इलेक्ट्रिकल थर्मल प्रोटेक्शन कैरेक्टरिस्टिक मोटर ओवरलोड कैरेक्टरिस्टिक आर नॉट मैच, देखिए एक कई बार ना इसमें क्या हो सकता है कि जो ओवरलोड रिले है ना मोटर के अंदर, सॉरी VFD के अंदर जो ओवरलोड रिले होती है या ओवरलोड सेंसर जो होता है, जो सिग्नल देता है VFD के कंट्रोल कार्ड को कि VFD पे ज़्यादा लोड हो गया है, ठीक है, जो ट्रिप करा देता है, वो सेंसर हमारा ख़राब हो गया, ये भी रीज़न हो सकता है, ठीक है, ये रीज़न भी हो सकता है। चेक मोटर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, सॉरी द करंट रेटिंग लिस्टेड ऑन द मोटर नेम प्लेट, सेम नेम प्लेट का हमें डेटा डालना है। चेक द वैल्यू सेट मोटर रेटेड करंट E2-01 में,
मोटर ओवर हीटेड बाई ओवर एग्जीक्यूशन ऑपरेशंस, ठीक है। मोटर ना कई बार क्या हो सकता है कि मोटर ओवर हीट हो सकती है, ठीक है। ओवर हीट मतलब जब कंटिन्यू चल रही है मोटर, ठीक है, और बहुत देर तक चल रही है और ओवरलोड पे चल रही है, ठीक है, और 24 घंटे की चल रही है, मतलब हो गया कंटिन्यू 5 दिन से 10 दिन से चल रही है और लोड भी फुल है। फुल क्या, ओवरलोड पे चल रही है, मतलब ज़्यादा जितनी मोटर की कैपेसिटी है ना उससे ज़्यादा का लोड चल रहा है, ठीक है। तो उस केस में भी ये रीज़न हो सकता है। तो उस केस में क्या करना है हमें, एक तो देखो मशीनरी है, इक्विपमेंट है, ठीक है, तो सबको आराम की ज़रूरत है। अब थोड़ा मोटर को एक बारी अब देखिए, या तो वहाँ पे एम्बियंट ठीक नहीं है, फिर लोड ज़्यादा, या तो लोड कम कीजिए, मोटर की रेटिंग बढ़ाइए, या फिर उसको बीच बीच में स्टॉप कीजिए, ठीक है। तो ये अगर हम करेंगे, ठीक है, तो रिड्यूस द एग्जीक्यूशन डिक्सलेशन गेन, ठीक है। चलिए, स्पीड सर्च रिलेटेड पैरामीटर्स आर नॉट सेट टू प्रॉपर वैल्यू, ठीक है। स्पीड सर्च के जो पैरामीटर्स हैं, जो हमारे V3-2 एंड V3-3, ठीक है, V3-24 में 1 करना है, ठीक है, आफ्टर ऑटो ट्यूनिंग इनेबल स्पीड एस्टिमेशंस टाइप सर्च, ठीक। तो हमें क्या है कि स्पीड सर्च के जो पैरामीटर हैं वो प्रॉपर डाल देने हैं। आउटपुट करंट फंक्शन ड्यू टू इनपुट फेज लॉस, ठीक है, चेक द पावर सप्लाई फॉर द फेज लॉस, ठीक। हमें एक बारी पावर सप्लाई भी चेक करनी है कि कोई इनपुट का तो फेज लॉस नहीं हो गया है, ठीक है। तो ये कई सारे रीज़न हो सकते हैं जिनकी वजह से आपको ये वाला एरर आ सकता है। अब मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि ये रीजंस हैं और आपको ये चेक करना है, ठीक है। आई होप कि अभी आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये इसका हुआ कि VFD का एक एरर कोड है OL2 ड्राइव ओवरलोड, ठीक है, द थर्मल सेंसर ऑफ ड्राइव ट्रिगर्ड ओवरलोड। जो इसमें थर्मल प्रोटेक्शन डिवाइस जो होती है ना, उसके जो सेंसर से, मतलब एक्चुअल में थर्मल प्रोटेक्शन रिले होती है, ठीक है, तो ओवरलोड रिले बोलते हैं जिसे, वो होती है, वो ट्रिगर हो गई है और उसने सिग्नल दे दिया है कंट्रोल गार्ड को, ठीक है। इसके कई सारे रीज़न हो सकता है। पहला रीज़न ये हो सकता है कि जो मोटर है ना उस पर लोड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो आप एक बारी लोड रिड्यूस करके देख लीजिए चला के, और अगर वो ट्रिप हो रहा है तो इट्स मीन्स लोड का इशू है, मतलब मोटर की कैपेसिटी से ज़्यादा लोड जा रहा है, ठीक है। साइकिल टाइम आर टू शॉर्ट ड्यूरिंग द एक्सीलेशन एंड डीएक्सीलेशन। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि जो एक्सीलेशन और डीएक्सीलेशन है, मतलब ये दो केस में भी आता है, जब मोटर को स्टार्ट करते हैं तब भी आ जाता है और स्टॉप करते हैं तब भी आ जाता है, तो ये तब आता है जब जो एक्सीलेशन टाइम और डीएक्सीलेशन टाइम है ना वो बहुत कम है। C1-01 पे एक्सीलेशन टाइम बढ़ा दीजिए और 08 पे डीएक्सीलेशन टाइम बढ़ा दीजिए, ठीक है। ड्राइव कैपेसिटी इज टू स्मॉल, ठीक है, तो है हो क्या सकता है, एक रीज़न ये हो सकता है कि जो VFD है ना उसकी जो कैपेसिटी है अकॉर्डिंग टू लोड, ठीक है, तो वो बहुत कम है, मींस लोड ज़्यादा है और मोटर की और ड्राइव की कैपेसिटी कम है, ठीक है, या फिर मोटर बड़ा है और ड्राइव की कैपेसिटी जो है वो कम है, तो ये भी रीज़न हो सकता है। अगर ये रीज़न है तो आपको क्या करना है उस केस में, आप ड्राइव को रिप्लेस कर लीजिए, ठीक है, एक हायर वर्जन की ड्राइव लगा दीजिए या फिर एक लार्जर वर्जन होना चाहिए, ठीक। ओवरलोड ऑकवर्ड व्हेन ऑपरेटिंग इज लो स्पीड, ठीक है, ये एक बारी तब भी आ सकता है कि जब आप लो स्पीड पे चला रहे हो ना VF मोटर को, तो तब ये आ सकता है। तो एक बारी क्या करना है हमें, एक बारी इसकी स्पीड बढ़ा के देखनी है, ठीक है। रिड्यूस द टॉर्क कंपनसेशन गेन, अच्छा, तो एक बारी मोटर की स्पीड VFD की स्पीड बढ़ा के देखनी है, ठीक है, और या फिर लोड कम करके देखना है, ठीक है, तो ये भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो एक बार ड्राइव को एक हायर वर्जन बढ़ा के, अगर प्रॉब्लम नहीं रिजोल्व हो रही है तो एक हायर वर्जन बढ़ाना है, ठीक है। और इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि रिड्यूस द टॉर्क कंपनसेशन गेन, 04-C4-01 में आप एक बारी इसका ना रिड्यूस, इसकी वैल्यू कम करके देखनी है, ठीक है ना, परसेंटेज में। स्पीड सर्च रिलेटेड पैरामीटर्स आर नॉट सेट करेक्टली, ठीक है ना, कुछ जो पैरामीटर्स हैं स्पीड सर्च के वो करेक्टली सेट नहीं हुए हैं, अब वो सेट कर लीजिए। दूसरा, ऑटो ट्यूनिंग करनी है आपको, वो ऑटो ट्यूनिंग करके देख लीजिए प्रॉपरली, ठीक है। आउटपुट करंट फंक्शंस ड्यू टू इनपुट फेज लॉस, चेक द पावर सप्लाई फॉर द फेज लॉस, मतलब इसका रीज़न एक ये भी हो सकता है कि जो हमारे इनपुट सप्लाई है
उनमें से कोई सा एक फेज लॉस हो सकता है, मतलब बीएफडी पे प्रॉपर एक फेज नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। चलिए आपको, मुझे लगता है कि अभी आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी, स्टेप बाई स्टेप समझा दिया है कि कैसे रिजोल्व करना है। अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम रिजोल्व नहीं हो रही है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, और आपका अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं aldomindia@gmail.com पर। एक बुक का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको परचेज करके पढ़ सकते हैं, ऑटोमेशन की बुक है जो आप। यस्कावा की VFD का एक एरर कोड है OL3 ओवरटॉर्क डिटेक्शन 1, ठीक है, द करंट हैज एक्सीड द वैल्यू सेट टॉर्क डिटेक्शन L6.02 टू लॉन्गर देन अलाउएबल टाइम, ठीक है, एट द L6-03, ठीक है। तो पैरामीटर सेटिंग्स आर नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द टाइप ऑफ लोड, ठीक, हमें जो हमने जो 6-02 और 03 में वैल्यू सेट की है टॉर्क की, वो प्रॉपर वैल्यू नहीं है, ठीक है, और उसके में टाइम बहुत कम डाला है। देर इज़ अ फॉल्ट ऑन मशीन साइड, ठीक है, चेक द स्टेटस ऑफ लोड, रिमूव द कॉज ऑफ फॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, दूसरा रीजन जो मशीन एंड है, मशीन एंड इन द सेंस मोटर जहाँ कनेक्टेड है, जिस साइड में मोटर कनेक्टेड है उस साइड का एक एरर हो सकता है, उस साइड का रीजन हो सकता है। तो हमें क्या करना है, एक बार उसको रिजोल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है, या तो पैरामीटर का इशू है, ठीक है, यहाँ पे टाइम डालना है और यहाँ पे पैरामीटर डालने हैं, ठीक है, या तो ये चेक करना है या फिर मोटर पे लोड ज़्यादा आ गया है, ठीक है, तब ये एरर आ रहा है। तो चलिए ठीक है, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं aldomindia@gmail.com पर। एक बुक का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको परचेज करके पढ़ सकते हैं, ऑटोमेशन की बुक है जो आप। इसका वह कि VFD का एक एरर कोड है OL4 ओवर टॉर्क डिटेक्शन 2, करंट हैज एक्सीड द वैल्यू सेट ओवर टॉर्क डिटेक्शन 2 L6-05 लॉन्गर देन द अलाउएबल टाइम, ठीक है। तो करंट के हमने ना वो जो करंट हैज एक्सीड द वैल्यू सेट फॉर द ओवर टॉर्क डिटेक्शन, ठीक है, तो जो ओवर टॉर्क डिटेक्शन के लिए हमने L6-05 में एक परसेंटेज वैल्यू डाली होगी और एक टाइम डाला होगा, मतलब इस टाइम से इस टाइम तक अगर ये ज़्यादा गया है तो वो आपको ये ओवर टॉर्क का एरर दे दे, ठीक है। तो पैरामीटर सेटिंग हमें ठीक करनी है, ठीक है, और L6-05 एंड 06 में हमें वैल्यूज चेंज करनी है, और ये हम चेंज कर देंगे तो ये प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाएगी। और अगर ये भी इसको चेंज करने पे भी प्रॉब्लम रिजोल्व नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये है कि इसमें एक एरर का, सॉरी, इसमें ना सॉफ्टवेयर एरर आ गया है, ठीक है, या फिर हार्डवेयर, तो उस केस में आपको रिपेयर कराना पड़ेगा। चलिए ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर। इसका हुआ कि VFD का एक एरर कोड है OL5 मैकेनिकल वीकिंग डिटेक्शन, ठीक है, वीकनिंग डिटेक्शन, ओवर टॉर्क ऑकवर्ड मैचिंग कंडीशंस स्पेसिफाइड इन L6-08, ठीक है, ओवर टॉर्क ऑकवर्ड ट्रिगरिंग मैकेनिकल वीकनिंग लेवल सेट L6-08, चेक द कॉज एंड मैकेनिकल वीकिंग, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या है, हमने जो कंडीशन सेट की है L6-08 में, हमें ये चेंज करना है, ठीक है, ये प्रॉपर होना चाहिए ओवर टॉर्क का, ठीक है। तो जितना हमने परसेंटेज डाला है ओवर टॉर्क का, उतना परसेंटेज उसको थोड़ा हायर कर देना है, तो देन इट शुल बी रिजोल्व, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका हुआ कि VFD का एक एरर कोड है OL7 हाई स्लिप ब्रेकिंग ओवल, हाई स्लिप ब्रेकिंग ओवल मतलब ओवरलोड हो गया है, ठीक है, द आउटपुट फ्रिक्वेंसी स्टेड कॉन्स्टेंट फॉर लॉन्गर देन द टाइम सेट इन N3-04 ड्यूरिंग हाई स्लिप ब्रेकिंग। मतलब हुआ क्या है कि VFD को जैसे स्टॉप की कमांड चली गई है, उसके बाद क्या है, VFD जैसे जैसे स्टॉप हो रही है तो उस इसमें ना OL7 आ गया, ठीक है, ये हमेशा तब आएगा जब हम स्टॉप करेंगे, ठीक है, या फिर हम ब्रेक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये तब आता है, ठीक। तो एक्सेसिव लोड इनर्शिया,
ठीक, इसका रीज़न हो सकता है मोटर ड्रिवन बाय द लोड, मोटर पे काफ़ी लोड है, समथिंग्स ऑन लोड साइड इज रिस्ट्रिक्टिंग डीएक्सीलरेशन, ठीक है, ओवरलोड टाइम ड्यूरिंग हाई स्लिप ब्रेकिंग इज टू शॉर्ट। मतलब देखो इसका मेन जो है ना रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, मोटर काफ़ी आपकी लोड पे चल रही है, काफ़ी लोड है, और जो डीएक्सीलरेशन टाइम है वो बहुत कम है, ठीक है, अपने ब्रेकिंग रेसिस्टेंस यूज़ कर रखा है, ठीक है, तो वो हो सकता है वो प्रॉब्लम, मतलब वो ख़राब हो गया हो, ठीक, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो इसके कई सारे रीज़न हैं बट ऑल आर रिलेटेड टू द डीएक्सीलरेशन टाइम। आप अपनी मोटर को बहुत जल्दी रोक स्टॉप करना चाह रहे हो, ठीक है, अपने ब्रेकिंग और यूज़ किया हुआ है, ठीक है, और डीएक्सीलरेशन टाइम बहुत कम किया हुआ है, ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, VFD का डीएक्सीलरेशन टाइम बढ़ा देना है। अगर आपको कंडीशन ये है कि आपको इंस्टेंट रोकना है, ठीक है, आपको विद इन सेकेंड और मिली सेकेंड स्टॉप करना है एनी हाउ, तो उस केस में आपको एक आता है ब्रेक रेसिस्टेंस, वो यूज़ करना पड़ेगा, और ब्रेक रेसिस्टेंस के पैरामीटर जो हैं वो इनेबल करने पड़ेंगे। तो चलिए ठीक है, आई होप कि आपको प्रॉब्लम अभी समझ आ गई होगी और आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि ये रिजोल्व कैसे होगा। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये इसका हुआ कि VFD का एक फॉल्ट है, फॉल्ट कोड है OPR, एक्सटर्नल डिजिटल ऑपरेटर कनेक्शन फॉल्ट, ठीक है। देखिए अब ये होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में VFD के लिए एक ऑपरेटर, डिजिटल ऑपरेटर मतलब जो डिस्प्ले होती है, ठीक है, वो अपने हमने क्या किया हुआ है, एक एक्सटर्नल भी लगाया हुआ है, मतलब एक तो VFD पे लगा है, एक एक्सटर्नल लगाया हुआ अलग कहीं दूर, ठीक है, जिस पे आप उसको ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है, मतलब उसके पैरामीटर्स देख रहे हो और चेक कर रहे हो, ठीक है, वहाँ से रीड राइट जो भी आपको करना है वो आप कर रहे हो, ठीक है। एंड ए OPR फॉल्ट विल ऑक्वर्ड व्हेन ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर ट्रू। आउटपुट इज इंटरप्टेड व्हेन ऑपरेटर इज डिसकनेक्टेड, ठीक है, आउटपुट इंटरप्ट हुआ है जब O2-06 में 1 था, ठीक है, द रन कमांड इज असाइंड टू ऑपरेटर, ठीक है, B1-02 में 0 आया है, एंड लोकल हैज़ बीन सेलेक्टेड, ठीक है, लोकल सेलेक्ट हो गया है, ठीक। तो ये सिर्फ इस केस में होगा। इसमें देखो मेन रीज़न क्या होता है कि जो ऑपरेटर है या तो वो प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है या फिर उसकी केबल डैमेज हो गई है। एक्सटर्नल ऑपरेटर इज नॉट प्रॉपरली कनेक्टेड टू द ड्राइव, ठीक है, वन रीज़न। सेकंड रीज़न इज चेक द कंडीशन बिटवीन ऑपरेटर एंड ड्राइव, ठीक है, ऑपरेटर और ड्राइव के बीच में हमें कनेक्शन चेक करने हैं, अगर केबल में प्रॉब्लम है तो रिप्लेस केबल रिप्लेस करनी है, और अगर आपको लग रहा है कि वो प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है तो ड्राइव की पावर ऑफ करनी है, और पावर ऑफ करके आपको दोबारा से रिकनेक्ट करना है। तो ये आप स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाएगी। आई होप कि अभी आपको प्रॉब्लम समझ आ गई होगी कि कैसे रिजोल्व करनी है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कब कि VFD का एक एरर कोड है OS, ओवर स्पीड, सिंपल V/F विद PG, ओके, पल्स इनपुट RP indicates the motor speed feedback exceed F1-08 setting। मतलब है क्या, जो मोटर की जो स्पीड है, जैसे सपोज दैट कि अभी 50 हर्ट्स पे रन होना चाहिए बट इट्स रनिंग मोर देन 50 हर्ट्स, मतलब वो 56, 58, 54 उतने पे रन कर रहा है, ठीक है, ओवरशूट और अंडरशूट इज ऑकरिंग। मतलब ये ऐसा भी हो सकता है कि जैसे VFD रन हो रही है 40 हर्ट्स पे, तो ये 35 पे भी रन कर सकता है और 50 पे भी रन कर सकता है, ठीक है, तो मतलब मोटर उसी स्पीड पे भी जा सकती है उसे, मतलब या तो अंडरशूट हो रहा है, ओवरशूट हो रहा है, अंडरशूट हो रहा है, ठीक है। एडजस्ट द गेन बाय यूजिंग पल्स ट्रेन इनपुट पैरामीटर H6-02 through H6-05, ठीक है, आपको एक तो पल्स इनपुट के पैरामीटर आपको चेंज करना है। इंक्रीज द सेटिंग फॉर C5-01, स्पीड कंट्रोल पोटेंशियल गेन 1, एंड रिड्यूस C5-02 स्पीड कंट्रोल इंटीग्रल टाइम 1, ठीक है, हमें ये दोनों चेंज करने हैं। इनकरेक्ट PG पल्स सेटिंग, ये भी हो सकता है कि PG पल्स सेटिंग जो है वो गलत डाल दी हूँ। सेट द H6-02 पल्स ट्रेन इनपुट स्केलिंग
100% फ्रीक्वेंसी ऑफ पीजी पल्स आर मैक्सिमम मोटर स्पीड, ठीक है। हमें इसको मैक्सिमम मोटर स्पीड मतलब 50 से ज़्यादा नहीं रखना है पीजी पल्स मैक्सिमम पे, ठीक है। ये क्या है, पैरामीटर सेटिंग का कुछ इशू है, चेक द सेटिंग्स ओवर स्पीड डिटेक्शन लेवल एंड ओवर स्पीड डिटेक्शन टाइम, ठीक है, F1-08 और F1-09, ठीक है। इस पर एक बार ही हमको ये चेक करना है और पैरामीटर सही करके डालने हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या इशू है, कैसे रिजोल्व होगा। अगर आपको पूरा समझ आ गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका VFD हैज ऑकर्ड वन एरर PG डिसकनेक्शन, ओके। नो PG पल्स आर रिसीव्ड फॉर लॉन्गर देन द टाइम सेट F1-14, ओके। पल्स इनपुट रिपल्स इज डिसकनेक्टेड, ओके। रिकनेक्ट द पल्स इनपुट RP, पल्स इनपुट RP वायरिंग इज रॉन्ग, प्लीज क्रैक द वायरिंग। मोटर ब्रेक इंगेज्ड, इंश्योर द मोटर ब्रेक रिलीज्ड प्रॉपरली, ओके। आई होप दैट यू बाई द ऑल थिंग्स आई टोल्ड यू एंड योर प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व्ड होपफुली एज सून। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, इफ यू एंजॉयड द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कि VFD का एक एरर कोड है RH, ब्रेकिंग रेसिस्टर ओवरहीट, ब्रेकिंग रेसिस्टर प्रोटेक्शन वॉज ट्रिगर्ड, फॉल्ट डिटेक्शन इज इनेबल्ड व्हेन L8-01, ठीक है। तो डिक्लेरेशन टाइम इज टू शॉर्ट, एक्सक्लूसिव रिजनरेटिव एनर्जी फ्लोइंग बैक इन टू द ड्राइव, ओके। तो ये एक्चुअल में ये है क्या, जो हमारा सपोज दैट हमें VFD को ना इंस्टेंट स्टॉप करना है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या काम करते हैं, VFD को पे एक ब्रेक रेसिस्टेंस लगा देते हैं, और जो VFD में एक एक्सटर्नल वोल्टेज होता है, डीसी वोल्टेज, वो रिड्यूस हो जाता है थ्रू द ब्रेक रेसिस्टेंस। अभी क्या है, वो ब्रेक रेसिस्टेंस हमारा हो गया ओवरहीट, ठीक है। और जो हमारा वोल्टेज है, एक्सेस वोल्टेज फॉलोइंग बैक इनटू द ड्राइव, वो वापस ड्राइव में जा रहा है, ठीक है। अभी क्या है, चेक द लोड डिक्लेरेशन टाइम एंड स्पीड, ठीक है। रिड्यूस द लोड, लोड कुछ कम करना है। इंक्रीज द एक्सेलेरेशन एंड डीएक्सेलेरेशन टाइम, थोड़ा सा अगर पॉसिबल है तो बढ़ा सकता है। रिप्लेस द ब्रेकिंग ऑप्शन विद ए लार्जर ड्राइव डिवाइस दैट कैन हैंडल द पावर दैट इज डिस्चार्ज, ठीक है। अभी क्या है, या तो देखो, अगर हम इस एक्सेलेरेशन डीएक्सेलेरेशन टाइम हम बढ़ा सकते हैं, डीएक्सेलेरेशन टाइम अगर हम बढ़ा सकते हैं तो ठीक है, अगर हम नहीं बढ़ा सकते तो उस केस में हमारे जो ब्रेक रेसिस्टेंस है ना, वो लार्जर साइज में लेना पड़ेगा, जो हमारी इस VFD के से निकलने वाली जो पावर है उसको डिस्चार्ज कर सके, ठीक है। देखिए, तो मैंने बताया ना, जो VFD होती है उसमें जो एक्सेस वोल्टेज पावर होती है वो ब्रेक रेसिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज हो जाती है, ठीक है। और अभी ब्रेक रेसिस्टेंस खुद प्रॉब्लम में आ गया, तो इसकी वजह से ये इशू आ रहा है। आई होप कि अभी आपको प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे यस्कावा VFD का एक एरर कोड है SER, टू मैनी स्पीड सर्च रिस्टार्ट्स, ओके। द नंबर ऑफ स्पीड सर्च रिस्टार्ट्स एक्सीड द नंबर सेट टू द B3N19, मतलब हमने कोई एक पैरामीटर सेट किया हुआ है, ठीक है। जो स्पीड सर्च है वो B3-19 पे नंबर ऑफ अटैम्प्ट सर्च किए हुए हैं और ये उससे भी वैल्यू ज़्यादा चली गई है, ठीक है। तो स्पीड के कॉज क्या हो सकते हैं, स्पीड सर्च पैरामीटर्स आर सेट टू द रॉन्ग वैल्यूज, मतलब जो पैरामीटर सेट के लिए हमने वैल्यू डाल रखी है ना, वो गलत डाल रखी है। तो हमें B3-10 में एक तो गेन कंपनसेशन गेन देखना है, ठीक है। रिड्यूस द डिटेक्शन कंपनसेशन गेन, ओके, एंड इंक्रीज द करंट लेवल व्हेन अटेम्प्टिंग स्पीड सर्च, ओके। हमें ये चेंज करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेट पैरामीटर्स। इंक्रीज द डिटेक्शन टाइम ड्यूरिंग द स्पीड सर्च, B-19 जो है उसमें B3-18 में वैल्यू इंक्रीज करनी है। रिपेयर रिपीट ऑटो ट्यूनिंग दोबारा से करनी है, ठीक है। तो हम अगर ये कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे तो आई होप कि प्रॉब्लम आपकी रिजोल्व हो जाएगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका वह कि VFD का एक एरर कोड है STO, मोटर पुल आउट और स्टेप आउट डिटेक्शन, ठीक है।
मोटर पुल आउट और स्टेप आउट हैज़ ऑकर्ड, मोटर हैज़ एक्सीड द पुल आउट टॉर्क। ओके, तो इसके क्या रीज़न हो सकते हैं? ठीक, तो या तो गलत रॉन्ग मोटर कोड हैज़ बीन सेट। ठीक है, जो VFD ये ना सिर्फ यस्कावे के मोटर के साथ प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो जो यस्कावे के मोटर का आपने कोड सेट किया है E5-01 में, वो आपने रॉन्ग कोड सेट किया है। तो एक तो आप उस कोड को सही सेट कर लीजिए। लोड इज़ टू हैवी। ठीक है, या तो लोड जो है बहुत ज़्यादा हैवी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनर्शिया जो है इंक्रीज द वैल्यू सेट टू द N8-55 लोड इनर्शिया फॉर PM, ये इंक्रीज करना है थोड़ा। इंक्रीज द वैल्यू सेट एट 851 पुल इन करंट डायरेक्शन ड्यूरिंग एक्सीलेशन एंड रिएक्शन फ्रॉम PM। ओके, रिड्यूस द लोड, लोड रिड्यूस करने की कोशिश करनी है। अगर पॉसिबल है तो थोड़ा ग्रीसिंग करा दें, क्लीनिंग करा दें। ठीक है, इंक्रीज द मोटर एंड ड्राइव कैपेसिटी। रीज़न एक ये भी हो सकता है कि मोटर ड्राइव की जो कैपेसिटी है ना वो बहुत कम है। ठीक है, लोड इनर्शिया इज़ टू हैवी। ठीक है, लोड का जो इनर्शिया है ना वो बहुत हैवी है। ठीक है, वो मैंने पहले ही बताया आपको, इसमें N8-55 में लोड का इनर्शिया थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा। एक्सीलेशन एंड डीएक्सीलेशन टाइम जो है बहुत कम है, तो C1-01 एंड C1-08 में हमें एक्सीलेशन और डीएक्सीलेशन टाइम को इंक्रीज करना होगा थोड़ा सा, तब जा कर के ये प्रॉब्लम रिजोल्व होने के चांसेज हैं। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं aldomindia@gmail.com पर। एक बुक का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको परचेज करके पढ़ सकते हैं। ऑटोमेशन की बुक है जो आप यस्कावे की VFD का एक एरर कोड है UL3 अंडर टॉर्क डिटेक्शन 1। ठीक है, इसका जो नेम है अंडर टॉर्क डिटेक्शन 1 है। ठीक है, कोड जो है UL3 है। ठीक है, द करंट हैज़ फॉलन ब्लू मिनिमम वैल्यू सेट फॉर टॉर्क डिटेक्शन L6-02 फॉर लॉन्गर देन अवेलेबल टाइम 6-03। तो जो करंट है ना, जिसमें हमने जब हमने टॉर्क डिटेक्शन के लिए जो हमने करंट सेट किया हुआ है, ठीक है, L6-02 में, वो ज़्यादा देर तक रहा है देन L6-03। तो हमें क्या करना है, थोड़ी सी वैल्यू इंक्रीज कर देनी है। ठीक है, पैरामीटर नंबर L6-02-03 में, 03 में थोड़ा टाइम बढ़ा देना है। ठीक है, और जो L6-02 है इसमें थोड़ा सा हमें जो करंट है, ठीक है, वो थोड़ा इंक्रीज कर देना है। ठीक, देर इज़ द फॉल्ट ऑन मशीन साइड। ठीक है, ये मशीन एंड पे भी प्रॉब्लम हो सकती है, मींस मोटर जो है हमारी वो भी प्रॉब्लम हो सकती है, स्टक्ड हो सकती है मोटर। ठीक है, और भी दूसरे कई सारे रीज़न हो सकते हैं मोटर के साथ। तो चलिए ठीक है, आई थिंक अभी आपको समझ आया होगा। और वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यस्कावे की VFD का एक फॉल्ट कोड है UV2। ठीक है, कंट्रोल पावर सप्लाई वोल्टेज फॉल्ट, वोल्टेज इज टू लो फॉर द कंट्रोल ड्राइव इनपुट पावर। जो वोल्टेज है ना वो बहुत कम है, ठीक है, कंट्रोल ड्राइव की इनपुट पावर के लिए। ठीक, तो इसके दो रीज़न क्या हो सकते हैं, L2-02 चेंज्ड फ्रॉम द डिफॉल्ट वैल्यू इन ड्राइव दैट इज 7.5 kW और सिमिलर विदाउट इंस्टॉलिंग ए मैंडेटरी पावर लॉस राइट थ्रू। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो L-02 में करेक्ट पावर जो पैरामीटर है वो सेटिंग करेक्ट करनी है। ठीक है, इंस्टॉल ऑप्शनल मैंडेटरी पावर लॉस राइट थ्रू यूनिट। ठीक है, एक यूनिट के थ्रू जो है इसमें एक ऑप्शनल मैंडेटरी पावर जो होता है वो इंस्टॉल हो जाता है, वो इंस्टॉल करवा देना है। द वायरिंग फॉर द कंट्रोल पावर सप्लाई इज डैमेज, वायरिंग डैमेज हो सकती है। तो इसमें करना क्या है, आपको जो इंटरनल होती है आपको दिखेगी नहीं, आपको एक बारी VFD की पावर ऑफ करनी है और पावर ऑफ करके ऑन कर देनी है, और देन होपफुली जो आपकी VFD है वो सही चलने लगेगी। और अगर नहीं चल रही है तो आपको नई VFD रिप्लेस द ड्राइव इफ़ द फॉल्ट कंटिन्यूज ऑकर, अगर कंटिन्यू प्रॉब्लम एरर आ ही रही है तो फिर आपको पावर एक बारी पावर ऑफ करने के बाद भी अगर सेम प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आपको ये नई VFD के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है,
दूसरा क्या है, इंटरनल सर्किटरी इज डैमेज। इंटरनल सर्किटरी मीन्स जो इंटरनल सेक्शन है वो डैमेज हो गया है, उसमें कुछ इशू आ गया है। अगर ऐसा कुछ है आप एक बार फिर से पावर ऑफ करके ऑन करके देख लीजिए, और अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम सेम है तो आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी। वैसे इस केस में मैक्सिमम टाइम में रिप्लेस ही करनी पड़ती है अगर ये वाला एरर आता है तो। चलिए ठीक है, आई थिंक अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बात करेंगे यस्कावा की। VFD का एक एरर कोड है UV3 अंडर वोल्टेज 3 इंडस प्रिवेंशन सर्किट फॉल्ट। ठीक है, तो इंडस प्रिवेंशन सर्किट फॉल्ट हैज़ बीन फेल्ड, द कंडक्टर ऑन इंडस प्रिवेंशन सर्किट इज डैमेज। ठीक है, VFD में ना पावर एंड कंट्रोल कार्ड्स होते हैं, ठीक है, और कुछ सर्किट्स होते हैं। तो कोई सर्किट है जो इंडस सर्किट है, प्रिवेंशन सर्किट है, वो उसमें फॉल्ट आ गया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक बार पावर ऑफ करके ऑन करके देखना है, अगर चल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ हमें उसको रिप्लेस करना पड़ेगा VFD को, या फिर रिपेयर कराना पड़ेगा। एक भी हमें U4-06 में जाके चेक करना है कि कितने परसेंटेज की वैल्यू आ रही है। ठीक है, अगर मोर देन 90% आ रहा है तो तब उस केस में हमें VFD को रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो कोड हम चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, और उनसे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि VFD जो है हमारी रिप्लेस होगी। और इस केस में अगर ये एरर आना स्टार्ट हो गया तो मैक्सिमम चांसेस में VFD को रिप्लेस ही करना पड़ता है। ठीक है, तो आप इस चक्कर में ना पड़े कि भाई मतलब ये आप किसी प्रोग्रामिंग पैरामीटर सेट करके इसको ठीक कर सकते हैं, या तो रिपेयर होगा या रिप्लेस होगा, दो ही रीज़न होते हैं इस केस में। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यस्कावा की VFD का एक एरर कोड है OV ओवर वोल्टेज, और ये एरर कोड किसी भी VFD में आ सकता है, किसी भी मैक की VFD हो सकती है। मैं आपको कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आप सबको फॉलो करेंगे आप इस एरर को रिजॉल्व कर देंगे, और किसी भी टाइप की VFD हो 100% गारंटी दे सकता हूँ कि आपसे ये एरर रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। ओवर वोल्टेज इन DC हैज़ अचीव्ड द ओवर वोल्टेज डिटेक्शन लेवल फॉर 200 वोल्ट, 410 वोल्ट एंड 400 वोल्ट, 820, ठीक है, 740 वोल्टेज व्हेन इवन इज 1 इन लेस देन 400। क्लियर, मैं आपको बताता हूँ ये एक्चुअल में होता क्या है। पहले हम समझना होगा कि VFD कैसे काम करती है। VFD में देखो थ्री फेज इनपुट आता है, उसके बाद थ्री फेज इनपुट को VFD क्या करती है, एक सेक्शन होता है जिसमें रेक्टिफायर सेक्शन होता है, जो तो 415 वोल्ट को DC वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। मतलब 400 वोल्ट है तो वो 820 वोल्ट के आसपास DC बन जाती है उसमें। अब कभी भी VFD पे चेक करेंगे, ठीक है, तो वो 600 के आसपास और 820 के आसपास मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो उतनी जो वोल्टेज है वो जनरेट होती है। ठीक है, तो अभी क्या है, वो DC वोल्टेज होती है, और उसके बाद फिर उसको वापस से AC में कन्वर्ट करके और VFD को मोटर को दे दिया जाता है। चलिए, अब इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं ओवर वोल्टेज का। एक तो सबसे पहला रीज़न ये हो सकता है कि जो हमारा डीएक्सीलेशन टाइम है बहुत कम हो सकता है। ठीक है, अगर डीएक्सीलेशन टाइम बहुत कम है, देखो VFD तो एकदम इंस्टेंट रुक गई है, ठीक है, लेकिन है क्या VFD में कुछ DC वोल्टेज जनरेट हो रखा है, AC था तो उससे कुछ DC वोल्टेज जनरेट हुआ था, अब वोल्टेज कहाँ जाएगा। ठीक है, तो वो वोल्टेज तब ना ओवर वोल्टेज का एक एरर क्रिएट हो जाता है। तो हमें क्या करना है, डीएक्सीलेशन टाइम थोड़ा सा हमें बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज अगर हम नहीं पढ़ा रहे हैं तो हमें ब्रेक रेसिस्टेंस यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो डीएक्सीलेशन टाइम कहाँ बढ़ाना है, C1-02, C1-04, C1-06, 06 एंड C1-08, इसमें हमें डीएक्सीलेशन टाइम बढ़ाना है, और या फिर हमें ब्रेक, अगर हमें डीएक्सीलेशन टाइम नहीं बढ़ाना है तो हमें ब्रेक रेसिस्टेंस इंस्टॉल करना पड़ेगा। फर्स्ट एक्सीलेशन टाइम कॉज द मोटर टू ओवरशूट स्पीड रेफरेंस। ठीक है, चेक द सडन ड्राइव एक्सीलेशन ट्रिगर्ड एंड ओवर वोल्टेज अलार्म इंक्रीज द एक्सीलेशन टाइम, यूज लॉन्गर एस कर्व एक्सीलेशन एंड डी एक्सीलेशन टाइम। चलिए, एक्सेस वो ब्रेकिंग लोड। ठीक है, तो जो ब्रेकिंग लोड है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, द ब्रेकिंग टॉर्क वॉज टू हाई बिकॉज ये ना मतलब ब्रेकिंग जो है ना, जो ब्रेक लगा रखा है हमने, वो बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, सर्ज वोल्टेज एंटर्ड फ्रॉम द ड्राइव इनपुट पावर,
ये कई बार ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, जो सर्ज वोल्टेज होती है, सर्ज जो होती है एक एक्सटर्नल वोल्टेज होती है, वो इनपुट पे आ गई है और उससे एंटर हो गई है। इंस्टॉल द डीसी लिंक चोक। उसके लिए, उससे बचाने के लिए ना, या तो हमें सर्ज अरेस्टर यूज़ करना होता है, ठीक है, या फिर हमें डीसी लिंक चोक यूज़ कर लेते हैं तो वो सर्ज इनपुट नहीं जाती है, ठीक है। दूसरा क्या है, ग्राउंड फॉल्ट इन आउटपुट सर्किट कॉजिंग द डीसी बस कैपेसिटर इज ओवरचार्ज्ड। देखिए कई बार क्या होता है कि ग्राउंड फॉल्ट ऑकर्ड हो जाता है, जो हमारा जो कैपेसिटर बैंक है वो ज़्यादा ओवरचार्ज हो गया है, ठीक है। चेक द मोटर वायरिंग टू फॉर द ग्राउंड फॉल्ट, करेक्ट ग्राउंडिंग शॉर्ट एंड टर्न इट पावर ऑन बैक। मतलब हमें क्या करना है, एक बारी पावर अर्थिंग चेक करनी है, ठीक है, तो अर्थिंग की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। इम्प्रॉपर सेटिंग ऑफ स्पीड सर्च रिलेटेड पैरामीटर्स, ठीक है, ये कुछ पैरामीटर्स की चेकिंग है, पैरामीटर्स है, द चेक द सेटिंग, इनेबल स्पीड सर्च रिट्राई फंक्शन, ठीक है, स्पीड सर्च के लिए करने हैं B3-19 ग्रेटर देन इक्वल 1 और 10, एडजस्ट द करंट लेवल ड्यूरिंग स्पीड सर्च, ठीक है, डी एक्सेलेशन टाइम हमें चेंज करना है, परफॉर्म लाइन टू लाइन रेसिस्टेंस ऑटो ट्यूनिंग देन इनेबल स्पीड एस्टिमेशन टाइप स्पीड सर्च। चलिए, एक्सेसिव रिजनरेशन व्हेन ओवरशूट ऑकर्स आफ्टर एक्सेलेशन, ठीक है, कई बार क्या होता है VFD ना, मोटर जो है ना वो ओवर ये ना रिजनरेशन मोड में आ जाती है, ठीक है, तो उस टाइम पे भी ये इशू हो जाता है, ठीक है, और ये हमेशा तब होगा जब लोड काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक, इसका रीज़न हमेशा ये होता है। ड्राइव इनपुट पावर वोल्टेज इज टू हाई, आप इनपुट पे वोल्टेज चेक कर लीजिए, वोल्टेज हाई हो सकता है, अगर वोल्टेज हाई है तो उसको मतलब ऐसी वोल्टेज यूज़ कर लीजिए जहाँ पे प्रॉपर वोल्टेज होना चाहिए, मतलब 400-415, मोर देन 5% या 3% तक, 5 वोल्टेज जो है 5-10 वोल्टेज हाई लो चलता है, अदरवाइज उससे ज़्यादा नहीं, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो हमारा ब्रेक रेसिस्टेंस है वो डैमेज हो सकता है, जो हमने ब्रेक रेसिस्टेंस अगर यूज़ किया हुआ है तो हम ब्रेक रेसिस्टेंस रिप्लेस कर देना है, ठीक है। ब्रेकिंग ट्रांसिस्टर इज़ वायर्ड इनकरेक्टली, ठीक है, जो हमारा ब्रेकिंग ट्रांसिस्टर है, मतलब जो वही है जो ब्रेकिंग ब्रेक रेसिस्टेंस है ट्रांसिस्टर, उसकी जो वायरिंग है ना वो गलत वायरिंग हो रखी है, ये इसके कुछ कॉज बताए हैं मैंने, ठीक है, आप इन सारे के सारे कॉज को चेक कर लीजिए और इन पे आप वर्क कर लीजिए, 100% आपकी ये प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाएगी, ठीक है। एंड आई होप कि अभी आपको समझ आ गया होगा, अगर आपका एरर है आप इन सारे के सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाएगी। अगर आपको नहीं समझ आया, एक बार वीडियो फिर से दोबारा देख लीजिए तो आपको प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर। इसका हुआ कि VFD का एक एरर कोड है PF, इनपुट फेज लॉस, ड्राइव इनपुट पावर हैज़ एन ओपन फेज और हैज़ ए लार्ज इम्बेलेंस ऑफ वोल्टेज बिटवीन फेज, डिटेक्ट व्हेन L8-05 इक्वल टू 1 इनेबल्ड, ठीक है। ये मतलब इनेबल्ड मतलब हमें ये डिटेक्ट करना है नहीं करना है, वो 1 रहता है तो ये इनेबल है। अब इस समय एक्चुअल में है क्या, मोटर से जो VFD से जो मोटर पे 3 फेज गए हैं ना, सॉरी VFD पे जो 3 फेज आए हैं मैन इनकमर से, उनमें से कोई एक फेज मिसिंग है, ठीक है, या फिर है क्या, उनमें दोनों में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब कोई एक फेज पे वोल्टेज बहुत कम आ रहा है कि ये रीज़न है, इन दोनों में से कोई सा एक रीज़न है। देर इज़ अ फेज लॉस इन द ड्राइव इनपुट पावर, ठीक है, चेक द वायरिंग एरर्स मेन सर्किट ड्राइव इनपुट पावर, करेक्ट द वायरिंग, हमें इनपुट को चेक करना है, ठीक है, प्रॉपरली है या नहीं है, कनेक्टेड है, कोई लूज कनेक्शन तो नहीं है, और उसको हमें करेक्ट करना है, और केबल अगर फॉल्टी है तो केबल को रिप्लेस कर लेना है, ठीक है। देर इज़ अ लूज वायरिंग इन ड्राइव इनपुट पावर टर्मिनल्स, इनपुट के जो ड्राइव के जो इनपुट टर्मिनल्स हैं ना उन पे उनमें वायरिंग लूज हो सकती है, मतलब कोई सा टर्मिनल जो है वो लूज हो सकता है, उसको प्रॉपरली टाइट करके कनेक्ट करना है। देर इज एक्सेसिव फ्लक्चुएशन इन द ड्राइव इनपुट पावर वोल्टेज, ठीक है, चेक द वोल्टेज फ्रॉम ड्राइव इनपुट पावर, हमें वोल्टेज चेक करना है कि तीनों फेज में सेम वोल्टेज होना चाहिए, 415 वोल्ट और 415 वोल्टेज प्रॉपर होना चाहिए। देर इज पावर इम्बेलेंस बिटवीन वोल्टेज फेज, ठीक है, तो ये क्या है कि मतलब बहुत कम वोल्टेज में ना आपस में कुछ डिफरेंस होगा, ठीक है, तो वो चेक करना है। मैन सर्किट कैपेसिटर आर वॉन्ड,
वॉल्ट। जो मेन इनकमिंग का जो सर्किट है, चेक द मेंटेनेंस टाइम फॉर द कैपेसिटर U4-05, रिप्लेस द ड्राइव, ठीक है, ग्रेटर देन 90%, या तो फिर हमें इसको ड्राइव को रिप्लेस करना पड़ेगा। चेक फॉर एनीथिंग रॉन्ग विद द ड्राइव इनपुट पावर, अगर VFD के इनपुट पे प्रॉपरली 415 वोल्ट आना चाहिए, कुछ भी रॉन्ग है तो आपको वो प्रॉपर चेक करना है, ठीक है। इफ़ नथिंग इज रॉन्ग विद द ड्राइव इनपुट पावर, ट्राई द फॉलोइंग सॉल्यूशन इफ अलार्म इज कंटिन्यू। डिसेबल इनपुट फेज लॉस प्रोटेक्शन सिलेक्शन L805 में 0 डालना है। यहाँ पे जो हमने 1 किया हुआ था, इसको हमें वापस से 0 कर देना है, ठीक है। तो जो इसमें इनपुट सेक्शन में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, पावर फैक्टर इज डिटेक्टेड DC बस रिपल्स इज टू हाई, ठीक है। इफ डिसेबल्ड देयर इज नो फॉल्ट बट रिपल्स इज स्टिल टू हाई, देयर द वे कैपेसिटर्स आर स्ट्रेस्ड मोर एंड लूज लाइफ टाइम, रिप्लेस द ड्राइव, ठीक है। फिर क्या रीज़न हो सकता है कि जो कैपेसिटर हैं वो ख़राब हो गए, ठीक है, तो कैपेसिटर रिप्लेस करने पड़ सकते हैं। देखिए, अगर L8-05 पे हमने 0 कर दिया है और फिर भी ये एरर आ रहा है, तो उस केस में क्या है, कैपेसिटर का इशू हो गया, ठीक है, कैपेसिटर में प्रॉब्लम हो गया। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, थैंक यू। जिसका वो कि VFD का एक एरर कोड है UV1, ठीक है, DC बस अंडर वोल्टेज, ठीक है। ये एक्चुअल में होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जो VFD है वो कैसे काम करती है, वो पहले 3-phase या सिंगल फेज AC इनपुट लेती है, उसके बाद उसको DC में कन्वर्ट करती है, और उसके बाद IGBT की फायरिंग के थ्रू उसको वापस से AC में कन्वर्ट करके थ्रू द इन्वर्टर और मोटर को दे देते हैं, ठीक है, वोल्टेज को कंट्रोल करके। अब DC बस कैपेसिटर बैंक होता है एक, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो DC वोल्टेज को मतलब स्टोर करता है, जो कैपेसिटर्स होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं। अभी क्या है, जो DC बस है ना वो अंडर वोल्टेज हो जा रहा है, मीन्स वहाँ पे वोल्टेज बहुत कम आ रही है। अब अंडर वोल्टेज कितना है, जैसे सिंगल फेज के लिए ये 190 वोल्ट होना चाहिए, ठीक है, और 415 वोल्ट है और उसका 380 वोल्टेज है, ठीक है, तो 350 नहीं जाना चाहिए, ठीक है, और जो 200 वोल्ट है उसका 160 वोल्टेज इनपुट नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या है, इसमें DC वोल्टेज लो हो गया। अब इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं, इनपुट पे ना 3-phase आ रहे हैं, तो 3-phase में से कोई एक फेज लॉस हो सकता है आपका, ठीक है। मेन सर्किट ड्राइव इनपुट पावर इज वायर्ड करेक्टली एंड प्लीज़ करेक्ट वायरिंग। अगर वो फेज मतलब वायर कहीं पर बीच में ब्रेक हो रखी है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, उस वायर को चेक करना है और उस वायर को प्रॉब्लम रिजोल्व कर देनी है, मतलब वायर या तो नई ट्रिक लगा देनी है या फिर वहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसको। दूसरा क्या है, जो टर्मिनल्स हैं, वन ऑफ द ड्राई इनपुट पावर टर्मिनल्स इन इज लूज, मतलब दूसरा क्या हो सकता है कि वायरिंग तो प्रॉपर आ रही है, वोल्टेज तो इनपुट पे प्रॉपर आ रही है, लेकिन जो कनेक्टर्स हैं उसमें कोई एक कनेक्टर लूज है, उस केस में भी ये प्रॉब्लम आएगी। तीसरा रीज़न क्या हो सकता है कि जो इनपुट आ रहा है 3-phase, कोई सा एक फेज ना बहुत कम वोल्टेज आ रहा है, जिस किसी एक फेज पे देयर इज द प्रॉब्लम विद द वोल्टेज फ्रॉम द ड्राई इनपुट पावर, किसी एक ड्राइव इनपुट पे वोल्टेज बहुत कम हो सकती है, ठीक है, ये भी रीज़न हो सकता है। द पावर हैज़ बीन इंटरप्टेड, ठीक है, द करेक्ट द पावर इनपुट ड्राइव इनपुट पावर, मतलब VF पावर जो है वो कहीं बीच में इंटरप्ट हो रही है, मतलब VFD जैसे पावर आ रही थी और मोटर रन कर रही है, कुछ मिली सेकेंड्स के लिए VFD की पावर ऑफ हुई और फिर से आ गई, ठीक है, तो उस केस में भी अंडर वोल्टेज हो जाएगा, ठीक। ड्राइव इंटरनल हैज़ बिकम वॉर्म, ठीक है ना, वॉर्म, तो चेक द मेंटेनेंस टाइम एंड कैपेसिटर, ठीक है, रिप्लेस द ड्राइव इफ U4-05 एक्सीड 90%, ठीक है। द ड्राइव इनपुट पावर ट्रांसफॉर्मर इज नॉट लार्ज इनाउथ वोल्टेज ड्रॉप आफ्टर स्विचिंग ऑन पावर, ठीक है, चेक द कैपेसिटी ऑफ ड्राइव इनपुट पावर ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, कैपेसिटी चेक करनी है। एयर इनसाइड द ड्राइव इज टू हॉट, VFD के अंदर जो हवा है, एयर है, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है, ठीक है। और द प्रॉब्लम विद द चार्जर इंडिकेटर, अगर चार्जर इंडिकेटर में कोई प्रॉब्लम है
हुई है फूडी के, तो उस केस में वो फूडी को रिप्लेस करनी पड़ेगी। देखिए अगर ये कई सारे जो मैंने कोज बताए हैं, अगर इन कोज में से कोई एक कोज नहीं मिल रहा है, मीन्स कोई एक रीज़न नहीं है और आपने वो करके देख लिया अगर है भी और फिर भी कंटिन्यूसली ये एरर आ रहा है, ठीक है, और आपको तो फिर क्या है, चार्ज इंडिकेटर के थ्रू देखिए ना, वी एफ डी में एक चार्ज इंडिकेटर होता है जो डीसी वोल्टेज को क्या बोलते हैं आपका रीड करता है और रीड करके कंट्रोल कार्ड को सिग्नल देता है कि इतना इतना वोल्ट आ रहा है। तो वो अगर प्रॉब्लम हो गया तो वो आपको रिपेयर कराना पड़ेगा या फिर रिप्लेस कराना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, आई थिंक अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं aldomindia@gmail.com पर। एक बुक का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप उसको परचेज करके पढ़ सकते हैं। ऑटोमेशन की बुक है जो आपके ऑटोमेशन के स्किल्स डेवलप